इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। राज की तरफ आकर्षित करती है। कहानी में सरकार का पोता शिवाजी नागरे यानी अमित साध वापसी करता है और सरकार के काम करने के स्टाइल पर पैनी नजर रखता है। शिवाजी की गर्लफ्रेंड अनु यानी यामी गौतम अपने पिता की मृत्यु का बदला सरकार से लेना चाहती है और उसके लिए शिवाजी की मदद लेना चाहती है। सरकार के काफी करीबी गोकुल यानी रोनित राय और गोरख ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। साथ ही नेता देशपांडे यानी मनोज वाजपेयी और बिजनेसमैन माइकल वाल्या यानी जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है। वाल्या को सरकार और उसकी नीतियों से सख्त नफरत है जिसकी वजह से वह सरकार के साम्राज्य को तहस नहस करना चाहता है। क्या वह इस मंसूबे में कामयाब हो पाता है, इसका पता आपको आगे चलेगा। कमजोर कड़िया फिल्म की कहानी काफी प्रोडिक्टेबल सी है जिस पर और भी ज्यादा काम किया जा सकता था। वही बहुत सारे सीन्स काफी ड्रैग किए हुए लगते हैं जिन्हें छोटा करके फिल्म और स्क्रिप्ट बनाया जा सकता था। फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहद कमजोर है जिसकी वजह से कोई भी किरदार संपूर्ण नहीं हो पाया है और कुछ ना कुछ कमी हर एक सीन में है। सीन और बेहतर हो सकते थे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी लाउड है जिसकी वजह से एक वक्त के बाद काफ़ी शोर शराबा जैसा लगने लगता है। फिल्म के किरदार एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हुए नज़र नहीं आते हैं जिसकी वजह से जबरदस्त संवाद भी काफ़ी फीके फीके से जान पड़ते हैं। एक बार फिर से रामगोपाल वर्मा अपने अलग अलग एंगल से शॉट लेते हुए नजर आए हैं और कैमरा कहीं भी और कभी भी दिखाई पड़ता है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। फिल्म में एक वक्त के बाद ऐसा पल भी आता है जब आप गंभीर सीन पर भी हंसने लगते हो और खुद से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। सीक्वेंस का कनेक्शन काफ़ी अधूरा है। जानिए आखिर फिल्म को क्यों देख सकते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उम्र के हिसाब से सरकार के किरदार में हुए परिवर्तन को स्क्रीन पर बाखूबी दर्शाया है और अपनी आवाज़ में भी एक बदलाव किया है जो काफ़ी सराहनीय है। समय के साथ साथ सरकार का पोता यानी चीकू भी बड़ा हुआ है जिसे अमित साध ने अच्छा निभाया है। वही जैकी श्रॉफ, रोनित राय, रोहिणी, हथनगाड़ी और यामी गौतम का काम भी सहज है। मनोज वाजपेयी ने भी अपने पात्र को उम्दा ढंग से निभाया है। बाकी सभी कलाकारों का काम बढ़िया है। अगर आप इन एक्टर्स के दीवाने हैं तो एक बार ये फिल्म जरूर देखें। बॉक्स ऑफिस पर सभी एक्टर्स की फीस और प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन को मिलाकर फिल्म का बजट लगभग 30-40 करोड़ बताया जा रहा था और खबरों की माने तो डिजिटल राइट्स, म्यूजिक और सैटेलाइट को मिलाकर फिल्म को मुनाफे में ही देखा जा रहा है। वैसे बाहुबली 2 पहले से ही इतने सारे स्क्रीन में चल रही थी जिसकी वजह से खबरें थी कि इस फिल्म को लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज ही किया गया था और अनुमान यह था कि फिल्म वीकेंड में लगभग 15 करोड़ का बिजनेस कर सकती है और ज़्यादातर सिंगल स्क्रीन में यह फिल्म देखी जाएगी। सरकार थ्री राम गोपाल वर्मा द्वारा सह निर्मित और निर्देशित 2017 की एक भारतीय राजनीतिक अपराध थ्रिलर फिल्म है। यह सरकार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है जिसमें पिछली फिल्म सरकार राज के प्रसंग को जारी किया गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन पुनः मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। उनके साथ रोनित राय, पराग त्यागी, जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी, अमित साध और यामी गौतम भी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। पाकिस्तानी अभिनेत्री फिजा अली ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की। फिल्म को 12 मई 2017 को दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया जिसे इंडिया टाइम्स ने 3/5 रेटिंग कारोशकों ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की।
फिल्म में सरकार के अतिरिक्त संघर्ष और उनके राजमहल की राजनीतिक और शीर्ष स्तर के अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार के बीच पावर ब्रोकर संघर्ष दिखा देता है, जिसमें आंतरिक प्रतिद्वंद्वता और साजिश शामिल है। फिल्म के संगीत अधिकार इरोज म्यूजिक को दिए गए थे। फिल्म के संगीत को रोहन विनायक और रविशंकर ने बनाया है। पूर्ण संगीत 3 मई 2017 को प्रदर्शित किया गया था और इसे 7 गाने थे। सरकार वर्ष 2005 में प्रदर्शित हुई थी, जिसे सफलता और सराहना मिली थी। 2008 में इसका सीक्वल सरकार राज नाम से बनाया गया। 9 वर्ष बाद इसका तीसरा भाग सरकार 3 नाम से प्रदर्शित हुआ था। तीनों फिल्म अमिताभ बच्चन के किरदार सुभाष नागरे को केंद्रित रखकर बनाई गई हैं। अन्नू करकरे यानी यामी गौतम अपने पिता की मौत का देसी सरकार यानी अमिताभ बच्चन को मानती हैं और बदला लेने की कोशिश में हैं। परिस्थितियों के मारे सरकार की व्यक्तिगत लड़ाई अपने पोते शिवाजी नागरे उर्फ चीकू यानी अमित सत से चल रही है। राजनीतिक उठापटक भी जारी है, जिससे सरकार के प्रभुत्व को खतरा पैदा हो रहा है। अपने सहयोगी गोकुल साटम यानी रोनित राय के सहारे सरकार अपने सबसे बड़े विरोधी माइकल वाल्या यानी जैकी श्रॉफ और मोदी तथा हिंसक राजनीतिक गोविंद देशपांडे यानी मनोज वाजपेयी के साथ एक डील करता है। क्या होगा इस डील का? क्या सरकार अपना प्रभुत्व बरकरार रख पाएगा? क्या अन्नू अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगी? इस सब का जवाब अभी इस वीडियो में आगे मिलेगा, या फिर आप इस मूवी को देखें। सरकार 3 राम गोपाल वर्मा द्वारा सह निर्मित और निर्देशित 2017 की एक भारतीय राजनीतिक अपराध थ्रिलर फिल्म है। यह सरकार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, जिसमें पिछली फिल्म सरकार राज के प्रसंग को जारी रखा गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन पुनः मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जिनके साथ रानित राय, पराग त्यागी, जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी, अमित साध और यामी गौतम भी फिल्म में भूमिका निभाई है। पाकिस्तानी अभिनेत्री फिजा अली ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की थी। इसमें संगीत दिया है रविशंकर, रोहन विनायक ने, इसके छायाकार अमोल राठौड़। ये मूवी 131 मिनट की है। फिल्म को 12 मई 2017 को दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया था, जिसे इंडिया टाइम्स ने 3/5 रेटिंग व आलोचकों ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की थी। फिल्म में सरकार के आंतरिक संघर्ष और उनके महल राजनीति के साथ शीर्ष स्तर के अधिकारियों और महाराष्ट्र के बीच के पावर ब्रोकर संघर्ष दिखाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वता और साजिश शामिल है। इसमें अमिताभ बच्चन सुभाष नागरे यानी सरकार के रूप में है, मनोज वाजपेयी गोविंद देशपांडे के रूप में है, जैकी श्रॉफ माइकल वाल्या के रूप में है। अगर बात करें इसके फ्रेंचाइजी की, तो 2009 में राम गोपाल वर्मा ने कहा कि सरकार श्रृंखला की तीसरी फिल्म बनाने की अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। हालांकि 2012 में यह सूचित किया गया कि इसकी अगली कड़ी बढ़ाई जाएगी और वर्तमान में फिल्म अपने पूर्व उत्पादन चरण में है, जहां कहानी लिखी जा रही है। फिल्म के 2013 के अंत तक प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है। मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लिया गया, हालांकि उनका चरित्र पिछले फिल्म में अंत में मर जाता है। अगस्त 2016 में राम गोपाल वर्मा ने सरकार 3 की पुष्टि की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि अभिषेक और ऐश्वर्या तीसरे फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। ही लोड ऑन दिस ट्विटर एंड अभिषेक एंड ऐश्वर्या विल नॉट बी पार्ट ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। अगर बात करें इसके संगीत की, तो फिल्म के संगीत अधिकार इरोज म्यूजिक को दिए गए हैं। फिल्म के संगीत को रोहन विनायक और रविशंकर ने बनाया है। पूर्ण संगीत 3 मई 2017 को प्रदर्शित किया गया था और इसमें 7 गाने हैं। इसमें पहला संग था एंग्री मिक्स, जिसे गाया था मीका सिंह और सुखविंदर सिंह ने। दूसरा संग था गणपति आरती, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन ने। तीसरा संग था गुस्सा, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह ने। चौथा संग था सामदाम, जिसे गाया था कैलाश खेर और साकेत बरौलिया ने। पांचवा संग था थाम्बा, जिसे गाया था नवराज हंस ने। छठा संग था शक्ति, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह, साकेत बरौलिया और आदर्श शिंदे ने। सातवां संग था सरकार ट्रंस, जिसे गाया था नीलाधरी कुमार ने। इस तरह इस साउंड ट्रैक की कुल अवधि 30 मिनट 40 सेकंड। पावरफुल पॉडिकल फैमिली का एक वृद्ध सदस्य, जिसके अधिपत का लोग आज भी लोहा मानते हैं। सरकार फिल्म के मुख्य आकर्षण है, क्योंकि उनकी विशाल ताकत दर्शकों को उनसे जोड़ती है। सरकार फ्रेंची की इस फिल्म में सरकार के साथ उनके पोते शिवाजी नागरे यानी अमित साध नजर आ रहे हैं, जो कि अपने दादा से जितना प्यार करता है उतनी ही नफरत भी। क्या शिवाजी सुभाष को धोखा देता है, या फिर वह अपने दादा के ही खडयंत्र का शिकार हो जाता है? इस फ्रेंची के लीड किरदार और उनसे जुड़ी चीजें से पिछले 12 साल जुड़े हैं, जिससे इस फिल्म को देखते हुए आपको सब देखा हुआ सा लगेगा। साथ ही यह शुरुआत से लेकर अंत तक सरकार की मौजूदगी का महत्व भी दर्शकों को बताता है। पिछली फिल्म में आपने दोनों बेटों बिष्णु यानी के मेनन और शंकर यानी अभिषेक बच्चन को खोने के बाद उनकी उम्र तो बढ़ी नजर आ रही है, लेकिन स्वभाव में आज भी वह उतने ही सख्त दिख रहे हैं। अब वह कई चीज़ों से खुद को अलग कर चुके हैं, क्योंकि उनका काम उनके दोनों सहयोगी गोकुल यानी रानित और रमन पराग देखते हैं।
उनकी पत्नी पुष्पा यानी सुप्रिया बीमार रहा करती है और वह पूरी तरह उनके देखभाल में लगे रहते हैं। कहानी सरकार के पोते शिवाजी उर्फ चीकू की एंट्री के साथ आगे बढ़ती है, जिसे गोकुल में उन गद्दारों के बारे में पता चलता है जो गुपचुप तरीके से डान बनने की तैयारी में है। यहाँ तक कि सत्ता के संघर्ष के लिए नागरे की चार दीवारी के बाहर भी गोविंद देशपांडे यानी मनोज वाजपेयी सत्ता का भूखा और नेता बनने की इच्छा रखने वाले दुबई बेस्ड बिजनेसमैन माइकल यानी जैकी और गांधी यानी बजरंग बली जैसे लोग सरकार को बर्बाद करने के लिए अपना अपना दांव लगाते हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या शिवा सत्य कंपनी और सरकार का पहला पार्ट बनाने वाले रामगोपाल वर्मा अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं? इस फिल्म में आपको फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा की इंटेंसिटी की कुछ झलक दिखती है। उनकी महाभारत रूपी कथा या राजमहल की राजनीति भी आप कह सकते हैं, यह बिना किसी रुकावट के पर्दे पर चलती है। हालांकि फिल्म की हर साजिश को लेकर आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं। फिल्म के कई डायलॉग काफी अर्थपूर्ण हैं, लेकिन यह फिल्म को बहुत ज्यादा असरदार नहीं बना पाते। इस फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों की ही तरह इस फिल्म में भी लाइट और शेडो का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जो फिल्म का ट्रेडमार्क है। साथ ही गोविंदा गोविंदा वाला बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म में शानदार है। बच्चन द्वारा गाई गई गणेशारती आपको मंत्रमुग्ध करने वाला है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और अंदाज भी आपको अभिभूत करने के लिए काफी है। उनके फैंस के लिए इससे एक शानदार तोहफा कह सकते हैं। अमित मनोज जैकी और रानित ने काफी शानदार अभिनय का परिचय दिया है, तो वही अभिनेत्री यामी सुप्रिया और रोहिणी का रोल बेहद छोटा है और वह कुछ समय के लिए ही पर्दे पर नजर आती हैं। अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्ति बन गए। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्मफेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय सांसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुत चर्चित रहा। अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ और इनकी 2 संतानें हैं, नेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से हुआ है। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उनकी माँ तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में अमिताभ जी का नाम इंकलाब रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इंकलाब जिंदाबाद से लिया गया था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है सशस्त्र प्रकाश। यद्यपि इसका उपनाम श्रीवास्तव था, वह कैस्त जात से संबंध रखते हैं, फिर भी इनके पिता ने इस उपनाम को अपने कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्गृत किया। यह उनका उपनाम ही है जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सर्वाधिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अमिताभ का विवाह 1973 में हुआ था, जंजीर नामक फिल्म के उद्घाटन के बाद। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटे में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी माता तेजी बच्चन की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी, किंतु उन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में इनकी माता का भी कुछ योगदान था, क्योंकि वे हमेशा इस बात पर भी जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना करियर बनाना चाहिए। बच्चन के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 को हुई थी। अमिताभ बच्चन ने 2 बार MA की उपाधि ग्रहण की है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल तथा इसके बाद नैनीताल के सिवर्डुल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश लिया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ी मल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अभिनय में अपना करियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फार्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। 3 जून 1973 को इन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह कर दिया। इस दंपत को 2 बच्चों बेटी श्वेता और पुत्र अभिषेक पैदा हुए। अमिताभ ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में एक कलाकार के रूप में की थी। उत्पलन दत्त मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म में वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवांगतु का पुरस्कार जीता। इन सफल व्यावसायिक और समीक्षक फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद जो कि 1971 में आई थी नामक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले अमिताभ बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति बेवकूफ़ी और देश की वास्तविकता के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सबसे सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अमिताभ ने 1971 में बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इनके साथी कलाकारों में नवीन निश्चल, योगिता वाली और ओम प्रकाश थे, और इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद इनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाई, जिनमें रेशमा और शेरा भी शामिल है, और इन दिनों इन्होंने गुड्डी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इनके साथ इनकी पत्नी जया भादुड़ी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी जबरदस्त आवाज़ के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के प्रारंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म के कुछ भाग का बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। इन्होंने अरोड़ा ईरानी, महमूद, अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुक रहे थे। स्टारडम की ओर उत्थान 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर जो कि 1973 में आई थी में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यही से इनके करियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इससे पूर्व के रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिसने अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखा जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे। यही वह प्रतिष्ठा थी जिसके बाद में इन्हें अपनी फिल्मों में हासिल करते हुए उसका अनुसरण करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी जिसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत करवाया। 1973 की वह साल था जब उन्होंने 3 जून को जया से विवाह किया, और इसी समय दोनों केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे अभिमान जो इनकी शादी के केवल एक मास बाद ही रिलीज हो गई थी। बाद में हरकेश मुखर्जी के निर्देशन तथा वीरेश चटर्जी द्वारा लिखित नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका मिली, जिसमें दोस्ती के सार को प्रदर्शित किया गया था। राजेश खन्ना और रेखा के विपरीत इनकी सहायक भूमिका में इन्हें बेहद सराहा गया और उन्हें सबसे सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार की भूमिका करने के बाद अमिताभ बच्चन ने बहुत सी फिल्मों में कई बार मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जैसे कुमारा बाप और दोस्त। मनोज कुमार द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म जिसमें दमन और वित्तीय एवं भावात्मक संघर्षों के समक्ष भी ईमानदारी का चित्रण किया गया था, वास्तव में आलोचकों एवं व्यापार की दृष्टि से एक सफल फिल्म थी, और इसमें सह कलाकार की भूमिका में अमिताभ के साथी के रूप में मनोज कुमार स्वयं और शशि कपूर एवं जीनत अमान थी। अमिताभ बच्चन ने 6 दिसंबर 1974 की बॉलीवुड की फिल्में की। 1974 को रिलीज मजबूर फिल्म में अग्रणी भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉलीवुड फिल्म चिक चेक की नकल कर बनाई गई थी, जिसमें जॉर्ज कैनेडी अभिनेता थे, किंतु बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, और 1975 में इन्होंने हास्य फिल्म चुपके चुपके से लेकर अपराध पर बनी फिल्म फरार और रोमांस फिल्म मिली में अपने अभिनय के जौहर दिखाए।
तथापि 1975 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें इन्होंने दो फिल्मों में भूमिकाएं की और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका की, जिसमें इनके साथ शशि कपूर, निरूपा राय और नीतू सिंह थी, और इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलवा दिया। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर चौथे स्थान पर रही और इंडिया टाइम्स की मूवियों में बॉलीवुड की हर हाल में देखने योग्य शीर्ष 25 फिल्मों में भी नाम आया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज शोले हुई और भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई। अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष के कलाकारों जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन और अमजद खान के साथ जयदेव की भूमिका अदा की थी। 1999 में बीबीसी इंडिया ने इस फिल्म को शताब्दी की फिल्म का नाम दिया और दीवार की तरह इसे इंडिया टाइम्स म्यूज में बॉलीवुड के शीर्ष 25 फिल्मों में से शामिल किया। उसी साल 50वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार के निर्णायक ने एक विशेष पुरस्कार दिया जिसका नाम 50 सालों के सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार था। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार वाले फिल्मफेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार एवं ख्यात मिली। हालांकि शोले जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उनके लिए पहले से ही महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर लिया था, फिर भी बच्चन ने बताया कि वह दूसरी भूमिकाओं में स्वयं को ढाल लेते हैं और रोमांस फिल्मों में भी अगड़ी भूमिका कर लेते हैं, जैसे कभी कभी जो कि 1976 में आई थी, और कॉमेडी फिल्मों में जैसे अमर अकबर एंथनी जो कि 1977 में आई थी, और इससे पहले भी चुपके चुपके जो कि 1975 में आई थी में काम कर चुके हैं। 1976 में इन्हें यश चोपड़ा ने अपनी दूसरी फिल्म कभी कभी में साइन कर लिया। यह एक और रोमांस फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक अमित मल्होत्रा के नाम वाले युवा कवि की भूमिका निभाई थी, जिसे राखी गुलजार द्वारा निभाई गई पूजा नामक एक युवा लड़की से प्रेम हो जाता है। इस बातचीत के भावात्मक जोश और कोमलता के विषय अमिताभ बच्चन की कुछ पहले की एक्शन फिल्मों तथा जिन्हें वे बाद में करने वाले थे की तुलना में प्रत्यक्ष कटाक्ष किया। इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित किया और बॉक्स ऑफिस पर यह एक सफल फिल्म थी। 1977 में इन्होंने अमर अकबर एंथनी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इस फिल्म में इन्होंने विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथनी गंसलेस के नाम की तीसरी अग्रणी भूमिका की थी। 1977 संभवतः इनके जीवन का सर्वाधिक प्रशंसनीय वर्ष रहा और भारत में उस समय की सबसे अधिक आय अर्जित करने वाली चार फिल्मों में इन्होंने स्टार कलाकार की भूमिका निभाई। इन्होंने एक बार फिर कस्मे वादे जैसी फिल्मों में अमित और शंकर तथा डॉन में अंडरवर्ल्ड गैंग और उसके हमसकल विजय के रूप में दोहरी भूमिका निभाई। इनमें अभिनय ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाए। इनके आलोचकों ने त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में इनके अभिनय की प्रशंसा की तथा इन दोनों फिल्मों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इस पड़ाव पर इस अप्रत्याशित दौड़ और सफलता के नाते इनके करियर में इन्हें फ्रैंकाइज ट्रूफोर्ट नामक निर्देशन द्वारा वन मैन इंडस्ट्री का नाम दिया। 1979 में पहली बार अमिताभ को मिस्टर नटवरलाल नामक फिल्म के लिए अपनी सहयोगी कलाकार रेखा के साथ काम करते हुए गीत गाने के लिए अपनी आवाज़ का प्रयोग करना पड़ा। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, पार्श्व गायक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। 1979 में इन्हें काला पत्थर जो कि 1979 में आई थी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और इसके बाद 1980 में राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ताना में दोबारा नामित किया गया जिसमें इनके सह कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान थी। दोस्ताना जो कि 1980 में आई थी शीर्ष फिल्म साबित हुई। 1981 में इन्होंने यश चोपड़ा की नाटकी फिल्म सिलसिला में काम किया जिसमें इनकी सह कलाकार के रूप में इनकी पत्नी जया और अफवाहों में इनके प्रेम का रेखा थी। इस युग की दूसरी फिल्मों में राम बलराम के 1980 में आई थी, शान जो कि 1980 में आई थी, लावारिस जो कि 1981 में आई थी और शक्ति जो कि 1982 में आई थी जैसी फिल्में शामिल थी। इन्होंने दिलीप कुमार जैसे अभिनेता से इनकी तुलना की जाने लगी थी।
1982 में कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपने सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपनी आंतों को लगभग घायल कर लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में स्टंट अपनी मर्जी से करने की छूट ली थी। इसके एक सीन में इन्हें मेज पर गिरना था और इसके बाद जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही यह मेज की ओर कूदे तब मेज का कोना इनके पेट से टकराया, जिससे इनके आंतों को चोट पहुंची और इनके शरीर से काफी खून बह निकला था। इन्हें जहाज से फौरन स्प्लेनेक्टोमी के उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया और वहां ये कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और कई बार मौत के मुंह में जाते जाते बचे। यह अफवाह भी फैल गई थी कि वे एक दुर्घटना में मर गए हैं और संपूर्ण देश में इनके चाहने वालों की भारी भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआई करने में जुट गई थी। इस दुर्घटना की खबर दूर दूर तक फैल गई और यूके के अखबारों की सुर्खियां में छपने लगी, जिसके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। बहुत से भारतीय ने मंदिरों में पूजा अर्चना करवाई और उन्हें बचाने के लिए अपने अंग अर्पण किए और बाद में जहां इनका उपचार किया जा रहा था उस अस्पताल के बाहर इनके चाहने वालों की मीलों लंबी कतारें दिखाई देती थी। इस पर भी इन्होंने ठीक होने में कई महीनों ले लिए और उस साल के अंत में एक लंबे अरसे के बाद पुनः काम आरंभ किया। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई और आंशिक तौर पर अमिताभ बच्चन की दुर्घटना के असीम प्रचार के कारण बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। निर्देशक मनमोहन देसाई ने कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन की दुर्घटना के बाद फिल्म के कहानी का अंत बदल दिया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के चरित्र को वास्तव में मृत्यु प्राप्त होनी थी, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में परिवर्तन करने के बाद उन्हें अंत में जीवित रखा गया। देसाई ने इसके बारे में कहा था कि ऐसे आदमी के लिए यह कहना बिल्कुल अनुपयुक्त होगा कि जो असली जीवन में मौत से लड़कर जीता हो उसे पर्दे पर मौत अपना ग्रास बना ले। इस रिलीज फिल्म में पहले सीन के अंत को जटिल मोड़ पर रोक दिया गया था और उसके नीचे एक कैप्शन प्रकट होने लगा के घायल होने की बात लिखी गई थी और इसमें दुर्घटना के प्रचार को सुनिश्चित किया गया था। बाद में मिया थीसिया ग्रेविस में उलझ गए, जो कुली में दुर्घटना के चलते या तो भारी मात्रा में दवाई लेने से हुआ या इन्हें जो बाहर से अतिरिक्त रक्त दिया गया था इसके कारण हुआ। उनकी बीमारी में इन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर महसूस करने पर मजबूर किया और उन्होंने फिल्म में काम करने से सदा के लिए छुट्टी लेने और राजनीति में शामिल होने का निर्णय किया। यही वह समय था जब उनके मन में फिल्मी करियर के संबंध में निराशावादी विचारधारा का जन्म हुआ और प्रत्येक शुक्रवार को रिलीज होने वाली नई फिल्म के प्रत्युत्तर के बारे में चिंतित रहते थे। प्रत्येक रिलीज से पहले वह नकारात्मक रवैये में जवाब देते थे कि यह फिल्म तो फ्लॉप होगी। राजनीति। 1984 में अमिताभ बच्चन ने अभिनय से कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी की सपोर्ट में राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को इन्होंने आम चुनाव के इतिहास में मार्जिन से विजय दर्ज करते हुए चुनाव में हराया था। हालांकि इनका राजनीतिक करियर कुछ अवधि के लिए ही था। इनके 30 साल बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक अवधि को पूरा किए बिना त्याग दिया। इस त्यागपत्र के पीछे इनके भाई का बेफोर्स विवाद में अखबार में नाम आना था। इसके लिए इन्हें अदालत में जाना पड़ा। इस मामले में अमिताभ बच्चन को दोषी नहीं पाया गया। उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने इनकी कंपनी ABCL के फेल हो जाने के कारण आर्थिक संकट के समय इनकी मदद की। इनके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी में सहयोग देना शुरू किया। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा की सदस्य बन गई। बच्चन ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना समर्थन देना जारी रखा, जिसमें राजनीतिक अभियान अर्थात प्रचार प्रसार करना शामिल था। इनकी इन गतिविधियों ने एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया और इन्हें झूठे दावों के सिलसिलों में कि वे एक किसान हैं के संबंध में कानूनी कागजात जमा करने के लिए अदालत जाना पड़ा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि स्वयंभू प्रेस ने अमिताभ बच्चन पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्टारडस्ट और कुछ अन्य पत्रिकाओं ने मिलकर एक संघ बनाया जिसमें अमिताभ के शीर्ष पर रहते समय 15 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्होंने अपने प्रकाशनों में अमिताभ के बारे में कुछ भी ना छपने का निर्णय लिया। 1989 के अंत तक अमिताभ बच्चन ने उनके सेटों पर
प्रेस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन वह किसी विशेष पत्रिका के खिलाफ नहीं थे। ऐसा कहा गया कि अमिताभ बच्चन ने कुछ पत्रिकाओं को प्रतिबंधित कर रखा था क्योंकि उनके बारे में इनमें जो कुछ प्रकाशित होता रहता था वह उसे पसंद नहीं करते थे, और इसी के चलते एक बार उन्हें इनका अनुपालन करने के लिए अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग करना पड़ा। 1988 में अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में 3 साल की छोटी सी राजनीतिक अवधि के बाद वापस लौट आए और शहंशाह में शीर्षक भूमिका की, जो बच्चन की वापसी के चलते बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस वापसी वाली फिल्म के बाद इनकी स्टार पावर तीक्ष्ण होती चली गई क्योंकि इनकी आगे आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होती रही। 1991 की हिट फिल्म हमसे ऐसा लगा कि यह वर्तमान प्रवृत्ति को बदल देगी, किंतु इनकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलता के चलते सफलता का यह क्रम कुछ पल का ही था। उल्लेखनीय है कि हिट की कमी के बावजूद यह हुआ समय था जब अमिताभ बच्चन ने 1990 की फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन की यादगार भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। ऐसा लगता था कि अब ये वर्ष इनके अंतिम वर्ष होंगे क्योंकि अब इन्हें केवल कुछ समय के लिए ही पर्दे पर देखा जा सकेगा। 1992 में खुदा गवाह के रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन ने अगले 5 वर्षों के लिए अपने आधे रिटायरमेंट की ओर चले गए। 1994 में इनके दौर से रिलीज होने वाली कुछ फिल्मों में से एक फिल्म इंसानियत रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। अस्थायी सेवानिवृत्त की अवधि के दौरान बच्चन निर्माता बने और अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। 1996 से वर्ष 2000 तक 10 बिलियन रुपए लगभग 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली मनोरंजन की एक प्रमुख कंपनी बनाने का सपना देखा। ABCL की रणनीति में भारत के मनोरंजन उद्योग के सभी वर्गों के लिए उत्पादन एवं सेवाएं प्रचलित करना था। इसके ऑपरेशन में मुख्य धारा की व्यावसायिक फिल्म उत्पादन और वितरण, ऑडियो और वीडियो कैसेट डिस्क उत्पादन और विपणन के टेलीविजन सॉफ्टवेयर हस्ती और इन्वेंट प्रबंध शामिल था। 1996 में कंपनी के आरंभ होने के तुरंत बाद कंपनी द्वारा उत्पादित पहली फिल्म तेरे मेरे सपने थी जो बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, लेकिन अरशद वारसी दक्षिण और फिल्मों के सुपरस्टार सिमरन जैसे अभिनेताओं के करियर के लिए द्वार खोल दिए। BCL ने कुछ फिल्में बनाई लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। 1997 में BCL द्वारा निर्मित मृत्युदाता फिल्म से बच्चन ने अपने अभिनय में वापसी का प्रयास किया। यद्यपि मृत्युदाता ने बच्चन की पूर्व एक्शन हीरो वाली छवि को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन ABCL के उपक्रम वाली फिल्म थी और विफलता दोनों के आर्थिक रूप से गंभीर है। ABCL 1997 में बैंगलोर में आयोजित 1996 की मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रमुख प्रायोजक था और इसके खराब प्रबंधन के कारण इसे करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। इस घटनाक्रम और ABCL के चारों ओर कानूनी लड़ाइयों और इस कार्यक्रम के विभिन्न गठबंधनों के परिणाम स्वरूप यह तथ्य प्रकट हुआ कि ABCL ने अपने अधिकांश उच्च स्तरीय प्रबंधकों को जरूरत से ज़्यादा भुगतान किया है, जिसके कारण वर्ष 1997 में वह वित्तीय और क्रियाशील दोनों तरीके से ध्वस्त हो गई। कंपनी प्रशासन के हाथों में चली गई और बाद में इसे भारतीय उद्योग मंडल द्वारा असफल करार दे गया। अप्रैल 1999 में मुंबई उच्च न्यायालय ने अमिताभ बच्चन को अपने मुंबई वाले बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैटों को बेचने पर तब तक रोक लगा दी जब तक कैनरा बैंक की राशि को लौटाए जाने वाले मुकदमे का फैसला ना हो जाए। बच्चन ने हालांकि दलील दी कि उन्होंने अपना बंगला सहारा इंडिया फाइनेंस के पास अपनी कंपनी के लिए कोष बढ़ाने के लिए गिरवी रख दिया है। बाद में बच्चन ने अपने अभिनय के करियर को संवारने का प्रयास किया, जिसमें उसे बड़े मियां छोटे मियां जो कि 1998 में आई थी और औसत सफलता मिली, और सूर्यवंशम जो कि 1999 में आई थी से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। लेकिन तथाप मान लिया गया कि अमिताभ बच्चन की महिमा के दिन अब समाप्त हुए चूँकि उनके बाकी सभी फिल्मों जैसे लाल बादशाह जो कि 1999 में आई थी और हिंदुस्तान की कसम जो कि 1999 में आई थी बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन ने ब्रिटिश टेलीविजन शो के खेल
हु वांट्स टू बी ए मिलियनर को भारत में अनुकूल हेतु कदम बढ़ाया, जिसका शीर्षक था कौन बनेगा करोड़पति, जैसा कि अधिकांश अन्य देशों में चला था। कार्यक्रम को तत्काल और गहरी सफलता मिली, जिसमें अमिताभ बच्चन के करिश्मे का भी छोटे रूप में योगदान था। यह माना जाता है कि बच्चन ने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए साप्ताहिक प्रकरण के लिए अत्यधिक 25 लाख रुपये लिए थे, जिसके कारण बच्चन और उनके परिवार को नैतिक और आर्थिक दोनों रूप से बल मिला। इससे पहले ABCL के बुरी तरह असफल हो जाने से अमिताभ बच्चन के गहरे झटके लगे थे। नवंबर 2000 में केनरा बैंक ने भी इनके खिलाफ अपने मुकदमों को वापस ले लिया। बच्चन ने KBC का आयोजन नवंबर 2005 तक किया और इनकी सफलता ने फिल्म की लोकप्रियता के प्रति इनके द्वार फिर से खोल दिए। सन 2000 में अमिताभ बच्चन जब आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित यश चोपड़ा की बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें ने भारत के वर्तमान धड़कन शाहरुख खान के चरित्र में एक कठोर की भूमिका की, तब इन्हें अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। दर्शक ने अमिताभ बच्चन के काम की सराहना की, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे चरित्र की भूमिका निभाई जिसकी उम्र उनकी स्वयं की उम्र जितनी थी, और अपने पूर्व की एंग्री यंग मैन वाली छवि जो अब नहीं है के युवा व्यक्ति से मिलती जुलती भूमिका थी। इनकी अन्य सफल फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ एक बड़े परिवार के पितृपुरुष के रूप में प्रदर्शित होने में एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव जो कि 2001 में आई थी, कभी खुशी कभी गम जो कि 2001 में आई थी, और बागबन जो कि 2003 में आई थी हैं। एक अभिनेता के रूप में इन्होंने अपनी प्रोफाइल के साथ मेल खाने वाले चित्रों की भूमिका करनी जारी रखी, तथा अक्स जो कि 2001 में आई थी, आंखें जो कि 2002 में आई थी, खाकी जो कि 2004 में आई थी, देव जो कि 2004 में आई थी, और ब्लैक जो कि 2005 में आई थी जैसी फिल्मों के लिए इन्हें अपने आलोचकों की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। इस प्रोत्थान का लाभ उठाकर अमिताभ बच्चन ने बहुत से टेलीविजन और बिलबोर्ड विज्ञापनों में उपस्थित देकर विभिन्न किस्मों के उत्पादन एवं सेवाओं के प्रचार के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। 2005 और 2006 में इन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ बंटी और बबली दो की 2005 में आई थी, गॉडफादर श्रद्धांजल सरकार जो कि 2005 में आई थी, और कभी अलविदा ना कहना जो कि 2006 में आई थी जैसी हिट फिल्मों में स्टार कलाकार की भूमिका की। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अत्यधिक सफल रही। 2006 और 2007 के शुरू में रिलीज उनकी फिल्मों में बाबुल जो कि 2006 में आई थी और एकलव्य जो कि 2007 में आई थी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, किंतु इनमें से प्रत्येक में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों से सराहना मिली। इन्होंने चंद्रशेखर नागाथल्ली द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म अमृत धारा में मेहमान कलाकार की भूमिका की। मई 2007 में इनकी दो फिल्मों में से एक चीनी कम और बहुत अभिनीत शूट आउट एंड लोखंडवाला रिलीज हुई। शूट आउट एट लोखंडवाला बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी रही और भारत में इसे हिट घोषित किया गया, और चीनी कम ने धीमी गति से आरंभ होते हुए कुल मिलाकर औसत हिट का दर्जा पाया। अगस्त 2007 में इनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले की रीमेक बनाई गई और उसे राम गोपाल वर्मा की आग शीर्षक से जारी किया गया, जिसमें इन्हें बब्बन सिंह यानी मूल गब्बर सिंह के नाम से खलनायक की भूमिका अदा की, जिसे स्वर्गीय अभिनेता अमजद खान द्वारा 1975 में मूल रूप से निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद नाकाम रही और आलोचना करने वालों ने भी इसकी कठोर निंदा की। इनकी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म ऋतुपर्णा घोष द लास्ट ईयर का वर्ष 2007 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 9 सितंबर 2007 को प्रीमियर लॉन्च किया गया। इन्हें अपने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने स्वागत के रूप में ब्लैक में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद अब तक सराहना की। बच्चन संताराम नामक शीर्ष वाली एक मीरा नायर द्वारा निर्देशित फिल्म में सहायक कलाकार की भूमिका करने जा रहे हैं। इसके सितारे बॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप हैं। यह फिल्म का फिल्मांकन फरवरी 2008 में शुरू होना था, लेकिन लेखक की हड़ताल की वजह से इस फिल्म को सितंबर 2008 में फिल्मांकन हेतु टाल दिया गया। 9 मई 2008 को भूतनाथ फिल्म में इन्होंने भूत के रूप में शीर्षक भूमिका की, जिसे रिलीज किया गया। जून 2008 में रिलीज हुई उनकी नवीनतम फिल्म सरकार राज, जो उनके वर्ष 2005 में बनी फिल्म सरकार का परिणाम थी। नवंबर 2005 में अमिताभ बच्चन को एक बार फिर लीलावती अस्पताल की ICU में
बिटी सोथ की छोटी आंत की सर्जरी के लिए भर्ती किया गया। उनके पेट में दर्द की शिकायत के कुछ दिन बाद ही ऐसा हुआ। इस अवधि के दौरान और ठीक होने के बाद उनकी ज़्यादातर परियोजनाओं को रोक दिया गया, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति का संचालन करने की प्रक्रिया भी शामिल थी। भारत भी मानव मूक बना हुआ यथार्थ जैसा दिखाई देने लगा था और इनके चाहने वालों एवं प्रार्थनाओं के बाद देखने के लिए एक के बाद एक हस्ती देखने के लिए आती थी। इस घटना के समाचार संतृप्त कवरेज तथा अखबारों और टीवी समाचार चैनलों में फैल गए। अमिताभ मार्च 2006 में काम करने के लिए वापस लौट आए। अमिताभ बच्चन अपनी जबरदस्त आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। वे बहुत से कार्यक्रमों में एक वक्ता, पार्श्व गायक और प्रस्तोता रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज़ से प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे इनसे प्रभावित हुए कि इन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में इनकी आवाज़ का उपयोग कमेंट्री के लिए करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उन्हें इनके लिए कोई उपयुक्त भूमिका नहीं मिली थी। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के पहले अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में समाचार उद्देशक नामक पदहेत नौकरी के लिए आवेदन किया। इसके लिए इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाराबंकी भंग प्रकरण के लिए भागदौड़ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007 अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म बनाई जिसमें मुलायम सिंह सरकार के गुणगानों का बखान किया गया था। उसका समाजवादी पार्टी मार्ग था और मायावती सत्ता में आई 2 जून 2007 फैजाबाद अदालत ने इन्हें आदेश दिया कि उन्होंने भूमिहीन दलित किसानों के लिए विशेष रूप से आरक्षित भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहित किया गया है। जालसाजी से संबंधित आरोपों के लिए इनकी जांच की जा सकती है। जैसा कि उन्होंने दावा किया कि उन्हें कथित तौर पर एक किसान माना जाए, यदि वह कहीं भी कृषि भूमि के स्वामी के लिए उत्तीर्ण नहीं कर पाते तब उन्हें 20 एकड़ फार्म हाउस की भूमि को खोना पड़ सकता है और उन्हें मवालपुरे ने निकट खरीदी थी। 19 जुलाई 2007 के बाद घोटाले खुलने के बाद अमिताभ बच्चन ने बाराबंकी उत्तर प्रदेश और पुणे में अधिग्रहित की गई भूमि को छोड़ दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को उनके साथ उनके पुत्र अभिषेक बच्चन द्वारा पुणे में अवैध रूप से अधिग्रहण भूमि को दान करने के लिए पत्र लिखा। हालांकि लखनऊ की अदालत ने भूमि दान पर रोक लगा दी और कहा कि वह इस भूमि को पूर्व स्थित में ही रहने दिया जाए। 12 अक्टूबर 2007 को बच्चन ने बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव की इस भूमि के दावे को छोड़ दिया। 11 दिसंबर 2007 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी जिले में इन्हें अवैध रूप से जमीन आवंटित करने के मामले में हरी झंडी दे दी। बच्चन को हरी झंडी देते हुए लखनऊ की एंकल खंडपीठ के न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनसे प्रमाणित हो कि अभिनेता ने राजस्व अभिलेखों में स्वयं के द्वारा कोई हेराफेरी अथवा फेरबदल किया हो। बाराबंकी मामले में अपने पक्ष में सकारात्मक फैसला सुनाने के बाद अमिताभ बच्चन ने महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया कि पुणे जिले के मरवाल तहसील में वह अपनी जमीन का आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। जनवरी 2008 में राजनीतिक रैलियों पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन को अपना निशाना बनाते हुए कहा कि ये अभिनेता महाराष्ट्र की तुलना में अपनी मातृभूमि के प्रति अधिक रुचि रखते हैं। उन्होंने अपनी बहु अभिनेत्री ऐश्वर्या बच्चन के नाम पर लड़कियों का एक विद्यालय महाराष्ट्र के बजाय उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उद्घाटन के लिए अपनी मंजूरी दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन के लिए राज की आलोचना, जिसकी वह प्रशंसा करते हैं, अमिताभ के पुत्र अभिषेक का ऐश्वर्या के साथ हुए विवाह में आमंत्रित न किए जाने के कारण उत्पन्न हुई, जबकि उनके अलग रह रहे चाचा बाल और चचेरे भाई उद्भव को आमंत्रित किया गया था। राज के आरोपों के जवाब में अभिनेता की पत्नी जया बच्चन ने सपा सांसद हैं ने कहा कि वह बच्चन परिवार मुंबई में एक स्कूली खोलने की इच्छा रखते हैं, बशर्ते एमएनएस के नेता उन्हें इसका निर्माण करने के लिए भूमि दान करें। उन्होंने मीडिया से कहा, मैंने सुना है कि राज ठाकरे के पास महाराष्ट्र में मुंबई के कोहिनूर किले की बड़ी संपत्ति है, यदि वे भूमि दान देना चाहते हैं तब हम यहाँ ऐश्वर्या राय के नाम पर एक स्कूल चला सकते हैं। इसके बावजूद अमिताभ ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बाल ठाकरे ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति है और महाराष्ट्र के लिए उनके मन में विशेष प्रेम है, जिन्हें कई अवसरों पर देखा जा चुका है। इस अभिनेता ने अक्सर कहा है कि महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई ने इन्हें महान प्रसिद्ध और स्नेह दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह आज जो कुछ भी हैं इसका श्रेय जनता द्वारा दिए गए प्रेम को जाता है। मुंबई के लोगों ने हमेशा उन्हें एक कलाकार के रूप में ही स्वीकार किया है। उनके खिलाफ इस प्रकार के संकीर्ण आरोप लगाना नितांत मुखिता होगी।
दुनिया भर में सुपरस्टार अमिताभ हैं, दुनिया भर के लोग उनका सम्मान करते हैं, इसे कोई भी नहीं भूल सकता है। अमिताभ को इन घटिया आरोपों की उपेक्षा करनी चाहिए और अपने अपने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमिताभ की राज के द्वारा की गई गणना के अनुसार इनकी उन्हें तारीफ करते हुए बताया जाता है कि बड़ी निराश हुई जब उन्हें अमिताभ के बेटे अभिषेक की सूर्या के साथ में विवाह आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि उन्हें राजन सदा, चाचा बाल और चचेरे भाई उद्धव को आमंत्रित किया गया था। 23 मार्च 2008 को राज की टिप्पणियों के लगभग डेढ़ महीने बाद अमिताभ बच्चन ने एक स्थानीय अखबार को साक्षात्कार देते हुए कह दिया कि आकस्मक लगाए गए आरोप आकस्मक ही लगते हैं और उन्हें ऐसे ही किसी विशेष ध्यान की जरूरत नहीं है जो आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं। इसके बाद 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी के एक सम्मेलन ने जब उनसे पूछा गया कि प्रवास विरोधी मुद्दे पर उनकी क्या राय है, तब अमिताभ बच्चन ने कहा कि यह देश के किसी भी स्थान पर रहने का एक मौलिक अधिकार है और संविधान ऐसा करने की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे राज की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं हैं। पनामा पेपर्स के बाद पैराडाइजाइन पेपर्स में भी अमिताभ बच्चन का नाम KBC1 के बाद विदेशी कंपनी में लगाया था पैसा। अमिताभ बच्चन की 1969 में दो फिल्में आई थी, जिसमें पहली थी सात हिंदुस्तानी और दूसरी थी भुवन सोम। सात हिंदुस्तानी में उन्होंने अनवर अली की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवांतुक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था और भुवन सोम में उन्होंने अपनी वॉइस का इस्तेमाल किया था। पर 1971 में इनकी पांच फिल्में आई थी, जिनमें परवाना, आनंद, रेशमा और शेरा, गुड्डी, प्यार की कहानी आदि थी। परवाना मूवी में इन्होंने कुमार सेन की भूमिका निभाई थी। आनंद में इन्होंने डॉक्टर कुमार भास्कर बनर्जी यानी बाबू मोशाय की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। रेशमा और शेरा में इन्होंने छोटू की भूमिका निभाई थी। गुड्डी में इन्होंने खुद की भूमिका निभाई थी और प्यार की कहानी में इन्होंने रामचंद्र की भूमिका निभाई थी। फिर 1972 में इनकी फिल्में आई थी, जिनमें थी संजोग, बिंसी बिरजू, पिया का घर, एक नज़र, बावर्ची, रास्ते का पत्थर, बॉम्बे टू गोवा। संजोग में इन्होंने मोहन की भूमिका निभाई थी। बंसी बिरजू में इन्होंने बिरजू की भूमिका निभाई थी। पिया का घर में ये एक मेहमान कलाकार के रूप में थे। एक नज़र में इन्होंने मनमोहन आकाश त्यागी की भूमिका निभाई थी। बावर्ची मूवी में इन्होंने वर्णन करने वाला यानी ए वॉइस आर्टिस्ट की भूमिका निभाई थी और रास्ते का पत्थर में इन्होंने जयशंकर राय की भूमिका निभाई थी। बॉम्बे टू गोवा इन्होंने रवि कुमार की भूमिका निभाई थी। बॉम्बे टू गोवा में इन्होंने रवि कुमार की भूमिका निभाई थी। फिर 1973 में इनकी फिल्में आई थी बड़ा कबूतर, बंधे हाथ, जंजीर, गहरी चाल, अभिमान, सौदागर, नमक हराम। बड़ा कबूतर में इन्होंने मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। बंदे हाथ में इन्होंने सामू और दीपक की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनकी डबल भूमिकाएं थी। जंजीर में इन्होंने इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 1973 में आई फिल्म गहरी चाल में इन्होंने रतन का रोल निभाया था। अभिमान में इन्होंने सुबीर कुमार का रोल निभाया था और सौदागर में इन्होंने मोती का रोल निभाया था और नमक हराम फिल्म में इन्होंने विक्रम यानी पिक्की का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 1974 में इनकी फिल्में आई थी कुमारा बाप, दोस्त, कसौटी, बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान, मजबूर। कुमारा बाप में इन्होंने एंगस्टीन का रोल निभाया था, जिसमें इनकी अतिथि उपस्थित थी। दोस्त में इन्होंने आनंद का रोल निभाया था, इसमें भी इनकी अतिथि उपस्थित थी। कसौटी में इन्होंने अमिताभ शर्मा यानी अमित का रोल निभाया था। बेनाम में इन्होंने अमित श्रीवास्तव का रोल निभाया था। रोटी कपड़ा और मकान में इन्होंने विजय का रोल निभाया था। मजबूर में इन्होंने रवि खन्ना का रोल निभाया था। फिर 1975 में इनकी फिल्में आई चुपके चुपके, फरार, मिली, दीवार, जमीन और शोले। चुपके चुपके में इन्होंने कुमार सिन्हा, परिमल त्रिपाठी का रोल निभाया था। फरार में इन्होंने राजेश यानी राज का रोल निभाया था। मिली में इन्होंने शेखर दयाल का रोल निभाया था। दीवार में इन्होंने विजय शर्मा यानी मनोनीत फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इस फिल्म के लिए जीता था। जमीर में इन्होंने बादल चिंपू का रोल निभाया था। शोले में इन्होंने जय यानी जयदेव का रोल निभाया था। दो अनजाने में इन्होंने अमित राय यानी नरेश दत्त का रोल निभाया था। छोटी सी बात फिल्म में इन्होंने विशेष उपस्थित थे। कभी कभी फिल्म में इन्होंने अमित मल्होत्रा का रोल निभाया था और मनोनीत फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी इस फिल्म के लिए दिया गया था। हेरा फेरी में इन्होंने विजय इंस्पेक्टर हीराचंद का रोल निभाया था। फिर 1977 में इनकी फिल्में आई थी अलाप, चरण दास, अमर अकबर एंथनी, शतरंज के खिलाड़ी, अदालत, ईमान धर्म, खून पसीना,
परवरिश। फिर 1976 में इनकी फिल्में आई थी दो अनजाने, छोटी सी बात, कभी कभी, हेरा फेरी। दो अनजाने में इन्होंने अमित राय यानी नरेश दत्त की भूमिका निभाई थी। छोटी सी बात में इनकी विशेष उपस्थित थी। कभी कभी मूवी में इन्होंने अमित मल्होत्रा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया था। हेरा फेरी में इन्होंने विजय इंस्पेक्टर हीराचंद का रोल निभाया था। फिर 1977 में इनकी फिल्में आई थी अलाप, चरणदास, अमर अकबर एंथनी, शतरंज के खिलाड़ी, अदालत, इंसान, ईमान, धर्म, खून पसीना और परवरिश। अलाप में इन्होंने प्रमोद आलोक का रोल निभाया था। चरणदास में इन्होंने कव्वाली गायक का रोल निभाया था, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थे। अमर अकबर एंथनी में इन्होंने एंथोनी गंसाल्वेस का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। शतरंज के खिलाड़ी में इन्होंने वर्णन करने वाले का रोल निभाया था। अदालत में इन्होंने धर्म और राजू का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था इनकी दोहरी भूमिका के लिए। ईमान धर्म में इन्होंने अहमद राज का रोल निभाया था। खून पसीना में इन्होंने शिवा टाइगर का रोल निभाया था। परवरिश में इन्होंने अमित का रोल निभाया था। फिर 1978 में इनकी फिल्में आई थी बेशरम, गंगा की सौगंध, कस्मे वादे, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर। बेशरम में इन्होंने रामचंद्र कुमार यानी प्रिंस चंद्रशेखर का रोल निभाया था। गंगा की सौगंध में इन्होंने जीवा का रोल निभाया था। कस्मे वादे में इन्होंने अमित शंकर का रोल निभाया था, जिसमें इनकी दोहरी भूमिका थी। त्रिशूल में इन्होंने विजय कुमार का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। डॉन मूवी में इन्होंने डॉन यानी विजय का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था, इसमें इनकी दोहरी भूमिका थी। मुकद्दर का सिकंदर में इन्होंने सिकंदर का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। फिर 1979 में इनकी फिल्में आई थी द ग्रेट ग्लैम्बर, गोलमाल, जुर्माना, मंजिल, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर, सुहाग। द ग्रेट ग्लैम्बर में इन्होंने जय इंस्पेक्टर विजय का रोल निभाया था, इनमें इनकी दोहरी भूमिका थी। गोलमाल में इन्होंने खुद का रोल निभाया था, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थी। जुर्माना में इन्होंने इंदर सक्सेना का रोल निभाया था। मंजिल में इन्होंने अजय चंद्र का रोल निभाया था। मिस्टर नटवरलाल में इन्होंने नटवरलाल यानी अवतार सिंह का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और पुरुष पार्श्व गायक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था। काला पत्थर में इन्होंने विजय पाल सिंह का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। सुहाग में इन्होंने अमित कपूर का रोल निभाया था। 1980 में इनकी चार फिल्में आई थी, जिनमें थी दो और दो पाँच, दोस्ताना, राम बलराम और शान। दो और दो पाँच में इन्होंने विजय और राम का रोल निभाया था। दोस्ताना में इन्होंने विजय वर्मा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। राम बलराम में इन्होंने इंस्पेक्टर बलराम सिंह की भूमिका निभाई थी। शान में इन्होंने विजय कुमार की भूमिका निभाई थी। फिर 1981 में इनकी फिल्में आई थी चश्मे बद्दूर, कमांडर, नसीब, बरसात की एक रात, लावारिस, सिलसिला, याराना, कलियां, जिसमें इन्होंने चश्मेदार बद्दूदार में विशेष मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। कमांडर में भी इन्होंने मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। नसीब में इन्होंने जॉनी जॉनी जनार्दन की भूमिका निभाई थी। बरसात की एक रात में इन्होंने एसीपी अभिजीत राय का रोल निभाया था। लावारिस में इन्होंने हीरा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। सिलसिला में इन्होंने अमित मल्होत्रा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। याराना में इन्होंने किशन कुमार का रोल निभाया था। कालिया में इन्होंने कल्लू कालिया का रोल निभाया था। 1982 में इनकी फिल्में आई थी सत्य पे सत्ता, बेमिसाल, देश प्रेमी, नमक हलाल, खुद्दार, शक्ति, जिसमें इन्होंने सत्य पे सत्ता में रवि आनंद और बाबू का रोल निभाया था, जिसमें इनकी डबल भूमिकाएं थी। बेमिसाल में इन्होंने डॉक्टर सुधीर राय और अधीर राय की रोल निभाया था, जिसमें इनकी डबल भूमिकाएं थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। देश प्रेमी में इन्होंने मास्टर दीनानाथ और राजू की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनकी दोहरी भूमिकाएं थी। नमक हलाल में इन्होंने अर्जुन सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था। खुद्दार में इन्होंने गोविंद श्रीवास्तव छोटे उस्ताद की भूमिका निभाई थी। शक्ति में इन्होंने विजय कुमार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1973 में इनकी फिल्में आई थी नास्तिक, अंधा कानून, महान, पुकार, कुली।
आस्तिक में इन्होंने शंकर भोला का रोल निभाया था। अंधा कानून में इन्होंने जान निसार अख्तर खान यानी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था इस फिल्म के लिए। महान में इन्होंने राणा रणवीर, गुरु और इंस्पेक्टर शंकर त्रिपल भूमिका निभाई थी। पुकार में इन्होंने रामदास रोनी की भूमिका निभाई थी। कुली में इन्होंने इकबाल खान की भूमिका निभाई थी। 1984 में इनकी दो फिल्में आई थी जिनमें थी इंकलाब और शराबी। इंकलाब में इन्होंने अमरनाथ की भूमिका निभाई थी और शराबी में इन्होंने विक्की कपूर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 1985 में इनकी दो फिल्में आई थी, गिरफ्तार और मर्द। गिरफ्तार में इन्होंने इंस्पेक्टर करण कुमार खन्ना की भूमिका निभाई थी। मर्द में इन्होंने राजू मर्द तांगेवाला की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 1986 में इनकी दो फिल्में आई थी जिसमें थी एक रुका हुआ फैसला और आखिरी रास्ता। एक रुका हुआ फैसला में इन्होंने मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी और आखिरी रास्ता में इन्होंने डेविड बेजक की भूमिका निभाई थी जिसमें इनकी डबल भूमिकाएं थी। पर 1987 में इनकी दो फिल्में आई जिनमें जलवा और कौन जीता कौन हारा फिल्म थी। जलवा में इन्होंने खुद का रोल निभाया था जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति थी और कौन जीता कौन हारा में भी इन्होंने खुद का ही रोल निभाया था जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति थी। पर 1988 में इनकी चार फिल्में आई जिनमें थी सुरमा भोपाली, शहनशाह, हीरो हीरालाल, गंगा जन्मा, सरस्वती। सुरमा भोपाल में इन्होंने मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई। शहनशाह में इन्होंने इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव शहनशाह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। हीरो हीरालाल में इन्होंने खुद की भूमिका निभाई जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति थी। गंगा यमुना सरस्वती में इन्होंने गंगा प्रसाद का रोल निभाया था। फिर 1989 में इनकी चार फिल्में आई जिनमें था बंटवारा, तूफान, जादूगर और आजाद हूँ, जिसमें बंटवारा में इन्होंने वर्णन करने वाले की भूमिका निभाई। तूफान में इन्होंने तूफान और श्याम की भूमिका निभाई जिसमें इनकी दोहरी भूमिकाएं थी। जादूगर में इन्होंने गोगा गैगसर का रोल निभाया। मैं आजाद हूँ में इन्होंने आजाद का रोल निभाया। 1990 में इनकी तीन फिल्में आई जिनमें थी अग्निपथ, क्रोध और आज का अर्जुन। अग्निपथ में इन्होंने विजय दीनानाथ का रोल निभाया। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिर क्रोध के लिए इनकी विशेष उपस्थिति थी। आज क्रोध फिल्म में इनकी विशेष उपस्थिति थी। आज का अर्जुन में इन्होंने भीमा का रोल निभाया था। फिर 1991 में इनकी चार फिल्में आई थी जिसमें थी हम, अजूबा, इंद्रजीत और अकेला। हम मूवी में इन्होंने टाइगर और शेखर का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। अजूबा में इन्होंने अजूबा अली का रोल निभाया था। इंद्रजीत में इन्होंने इंद्रजीत का रोल निभाया था। अकेला में इन्होंने इंस्पेक्टर विजय शर्मा का रोल निभाया था। फिर 1992 में इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था खुदा गवाह जिसमें इन्होंने बादशाह खान का रोल निभाया था और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। फिर 1994 में इनकी फिल्म आई थी इंसानियत। इस फिल्म के लिए इन्हें इंस्पेक्टर फिर 1991 में इनकी फिल्म आई थी इंसानियत। इस फिल्म में इन्होंने इंस्पेक्टर अमर का रोल निभाया था। 1996 में एक फिल्म आई थी तेरे मेरे सपने जिसमें इन्होंने वॉइस दी थी। 1997 में इनकी फिल्म आई थी मृत्युदाता जिसमें इन्होंने राम प्रसाद घायल की भूमिका निभाई थी। फिर 1998 में इनकी दो फिल्में आई थी मेजर साहब और छोटे मियाँ बड़े मियाँ। मेजर साहब में इन्होंने मेजर जसबीर सिंह राणा का रोल निभाया था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में इन्होंने इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और बड़े मियाँ का रोल निभाया था। फिर 1999 में इनकी फिल्में आई थी लाल बादशाह, सूर्यवंशम, हिंदुस्तान की कसम, कोहराम, हेलो बर्दर। लाल बादशाह में इन्होंने लाल बादशाह सिंह और रणबीर सिंह का दोहरी भूमिका निभाई थी। सूर्यवंशम में इन्होंने भानु प्रताप सिंह ठाकुर और हीरा सिंह की दोहरी भूमिका निभाई थी। हिंदुस्तान की कसम में इन्होंने कबीरा की भूमिका निभाई थी। कोहराम में इन्होंने कर्नल अवीर सिंह छोटी, देवराज हथौड़ा और दादा भाई की भूमिका निभाई थी। हेलो बर्दर में इन्होंने वाइट ऑफ गोड की भूमिका निभाई थी। फिर 2000 में इनकी फिल्म आई थी मोहब्बतें जो इनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रही थी। इसमें इन्होंने नारायण शंकर का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता था। फिर 2001 में इनकी चार फिल्में आई थी जिनमें थी एक रिश्ता, लगान, अक्स और कभी खुशी कभी गम। एक रिश्ता में इन्होंने विजय कुमार की भूमिका निभाई थी। लगान में इन्होंने वर्णन करने वाले की भूमिका निभाई थी। अक्स में इन्होंने मनु वर्मा की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म समीक्षक पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और मनोनीत फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। कभी खुशी कभी गम में इन्होंने यशवर्धन यशराजचंद का रोल निभाया था। इस फिल्म में इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता था।
फिर 2002 में इनकी चार फिल्में आई थी, जिसमें थी आंखें, हम किसी से कम नहीं, अग्निवर्षा और कांटे। आंखें में इन्होंने विजय सिंह राजपूत की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को पुरस्कार दिया गया था। हम किसी से कम नहीं के लिए इन्होंने डॉक्टर रस्तोगी की भूमिका निभाई थी। अग्निवर्षा में इन्होंने इंद्र विशेष उपस्थिति थी। कांटे में इन्होंने यशवर्धन रामपाल मेजर मनोनीत फिल्मफेयर पुरस्कार इस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था। 2003 में इनकी फिल्में आई थी खुशी, अरमान, मुंबई से आया मेरा दोस्त, बूम, बागबन, फंटोस। खुशी में इन्होंने वॉइस दी थी। अरमान में इन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा का रोल निभाया था। मुंबई से आया मेरा दोस्त में इन्होंने वर्णन करने वाले की भूमिका निभाई थी। बूम में इन्होंने बड़े मियाँ का रोल निभाया था। बागबन में इन्होंने राज मल्होत्रा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। फंटोस में इन्होंने वर्णन करने वाले की भूमिका निभाई थी। फिर 2004 में इनकी फिल्में खाकी, एतबार, रुद्राज, इंसाफ, देव, लज, दीवार, क्यों हो गया ना, हम कौन हैं, फिर जारा, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों आदि फिल्में आई थी। खाकी में इन्होंने DCP अनंत कुमार श्रीवास्तव का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। एतबार में इन्होंने डॉक्टर रणबीर मल्होत्रा का रोल निभाया। रुद्राज में इन्होंने वर्णन करने वाले का रोल निभाया। इंसाफ में इन्होंने वर्णन करने वाले का रोल निभाया। देव में इन्होंने DCP देव प्रताप सिंह का रोल निभाया। लच में इन्होंने कर्नल सुनील दामले का रोल निभाया। दीवार में इन्होंने मेजर बलबीर कौल का रोल निभाया। क्यों हो गया ना में इन्होंने राज चौहान का रोल निभाया। हम कौन हैं में इन्होंने जॉन मेजर विलियम और फ्रैंक जेम्स विलियन दोहरी भूमिका निभाई थी। बीरजारा में इन्होंने समर सिंह चौधरी का रोल निभाया। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार विशेष उपस्थित के लिए दिया गया था। अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों में इन्होंने मेजर जनरल अमर सिंह का रोल निभाया था। फिर 2005 में इनकी फिल्में आई थी ब्लैक, वक्त, बंटी और बबली, परिणीता, पहेली, सरकार, विरुद्ध, रामजी लंदन वाले, दिल जो भी कहे, एक अजनबी, अमृत धारा। ब्लैक में इन्होंने देवराज सहाय की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, फिल्म समीक्षक पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन विजेता और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। वक्त मूवी में इन्होंने ईश्वर चंद्र सरावत की भूमिका निभाई थी। बंटी और बबली में इन्होंने DCP दशरथ सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। फिर परिणीता में इन्होंने वर्णन करने वाले का रोल निभाया था। पहली में इन्होंने गरड़िया, जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति का रोल निभाया था। सरकार में इन्होंने सुभाष नागरे यानी सरकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता था। विरुद्ध में इन्होंने विद्याधर पटवर्धन की भूमिका निभाई थी। रामजी लंदन वाले में इन्होंने खुद यानी विशेष उपस्थित थी। दिल जो भी कहे में इन्होंने शेखर सिन्हा की भूमिका निभाई थी। एक अजनबी में इन्होंने सूर्यवीर सिंह की भूमिका निभाई थी। अमृत धारा में इन्होंने खुद की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थी। 2006 में इनकी चार फिल्में आई थी, जिसमें थी परिवार, डरना जरूरी है, कभी अलविदा ना कहना और बाबू। परिवार में इन्होंने बीरन साह की भूमिका निभाई थी। डरना जरूरी है में इन्होंने प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी। कभी अलविदा ना कहना इन्होंने समरजीत सिंह तलवार यानी आकाश सेक्सी सैम की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। बाबुल में इन्होंने बलराज कपूर की भूमिका निभाई थी। फिर 2007 में इनकी फिल्में आई थी एकलव्य द रॉयल गार्ड और निषाद, चीनी कम, शूट आउट एट लोखंडवाला, झूम बराबर झूम, राम गोपाल वर्मा की आग, ओम शांति ओम, द लास्ट ईयर, जिसमें उन्होंने एकलव्य द रॉयल गार्ड में इन्होंने एकलव्य की भूमिका निभाई थी। निशब्द में इन्होंने विजय की भूमिका निभाई थी। चीनी कम में इन्होंने बुद्ध देवा गुप्ता की भूमिका निभाई थी। शूट आउट एट लोखंडवाला में इन्होंने टिंगर, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थी। झूम बराबर झूम में इन्होंने सूत्रधार, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थी। और गोपाल वर्मा की आग में इन्होंने बबन सिंह की भूमिका निभाई थी। और ओम शांति ओम में इन्होंने खुद की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थी। द लास्ट ईयर में इन्होंने हरीश मिश्रा की भूमिका निभाई थी। फिल्में आई यार मेरी जिंदगी, भूतनाथ, सरकार राज, गार तुझसे ग्रेट हो। यार मेरी जिंदगी में भूतनाथ में इन्होंने कैलाश नाथ की भूमिका निभाई। सरकार राज में इन्होंने सुभाष नागरे की भूमिका निभाई। गात तुसी ग्रेट हो में इन्होंने शक्तिमान ईश्वर का रोल निभाया। फिर 2009 में इनकी फिल्में आई दिल्ली सिक्स, अलादीन और पा। दिल्ली सिक्स में इन्होंने दादाजी की भूमिका निभाई। अलादीन में इन्होंने जिन की भूमिका निभाई। पा में इन्होंने आरो की भूमिका निभाई। फिर 2010 में इनकी तीन फिल्में आई रड़, तीन पत्ती, कंधार। तीन पत्ती में इन्होंने प्रो वकेंड सुब्रमण्यम की भूमिका निभाई। कंधार में इन्होंने लोकनाथ
शर्मा की भूमिका निभाई। फिर 2011 में इनकी फिल्में आई बुढ़ा होगा तेरा बाप, आरक्षण। बुढ़ा होगा तेरा बाप में इन्होंने विजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई। आरक्षण में इन्होंने प्रभाकर आनंद की भूमिका निभाई। फिर 2011 में इनकी फिल्में आई मी भट्टी आन छुट्टी, डिपार्टमेंट, बोल बच्चन, इंग्लिश विंग्लिश। मी भट्टी आन भट्टी में इन्होंने स्वयं की भूमिका निभाई। डिपार्टमेंट में इन्होंने गायकवाड़ की भूमिका निभाई। बोल बच्चन में इन्होंने स्वयं की भूमिका निभाई और इंग्लिश विंग्लिश में इन्होंने सहयात्री की भूमिका निभाई। 2013 में इनकी फिल्में आई वाम बेटा कीज, सत्यग्रह, वास, क्रश, महाभारत, द ग्रेट गैट्सबी, अंग्रेजी फिल्म। वाम बेटा कीज में इन्होंने स्वयं की भूमिका निभाई। बास में इन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई। क्रश 3 में इन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई। महाभारत में इन्होंने भीष्म आवाज़ दी थी। द ग्रेट गैट्सबी में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। 2014 में इनकी फिल्में आई थी भवनाथ रिटर्न और मनन फिल्म। 2015 में इनकी फिल्में आई थी अमिताभ, हे ब्रो और फीकू। 2016 में इनकी फिल्में आई थी वजीर की एंड का और टीन और पिंक। 2017 में इनकी फिल्में आई थी द गाजी अटैक, सरकार 3, अलादीन, जिन, तलसमान, अपवर्जन, संताराम और 2018 में इनकी फिल्म आई थी ठाका ऑफ हिंदुस्तान। सरकार 3 की यह कहानी सरकार यानी अमिताभ बच्चन और उनके एक छत्र साम्राज्य की तरफ आकर्षित करती है। कहानी में सरकार का पोता शिवाजी नागरे यानी अमित शाह वापसी करता है और सरकार के काम करने के स्टाइल पर पैनी नज़र रखता है। शिवाजी की गर्लफ्रेंड अनु यानी यामी गौतम अपने पिता की मृत्यु का बदला सरकार से लेना चाहती है और उसके लिए शिवाजी की मदद लेना चाहती है। सरकार के काफ़ी करीबी गोकुल यानी रोनित राय और गोरख ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। साथ ही नेता देशपांडे यानी मनोज वाजपेयी और बिजनेसमैन माइकल वाल्य यानी जगी श्राफ की एंट्री होती है। वाल्य को सरकार और उसकी नीतियों से सख्त नफरत है जिसकी वजह से वह सरकार के साम्राज्य को तहस नहस करना चाहता है। क्या वह इस मंसूबे में कामयाब हो पाता है इसका पता आपको आगे चलेगा। कमजोर कड़िया फिल्म की कहानी काफ़ी प्रोडिक्टेबल सी हैं जिस पर और भी ज़्यादा काम किया जा सकता था। वही बहुत सारे सीन्स काफ़ी ड्रैग किए हुए लगते हैं जिन्हें छोटा करके फिल्म और स्क्रिप्ट बनाया जा सकता था। फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहद कमज़ोर है जिसकी वजह से कोई भी किरदार संपूर्ण नहीं हो पाया है और कुछ ना कुछ कमी हर एक सीन में है। सीन और बेहतर हो सकते थे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी लाउड है जिसकी वजह से एक वक्त के बाद काफ़ी शोर शराबा जैसा लगने लगता है। फिल्म के किरदार एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हुए नज़र नहीं आते हैं जिसकी वजह से ज़बरदस्त संवाद भी काफ़ी फीके फीके से जान पड़ते हैं। एक बार फिर से रामगोपाल वर्मा अपने अलग अलग एंगल से शॉट लेते हुए नज़र आए हैं और कैमरा कहीं भी और कभी भी दिखाई पड़ता है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। फिल्म में एक वक्त के बाद ऐसा पल भी आता है जब आप गंभीर सीन पर भी हंसने लगते हो और खुद से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। सीक्वेंस का कनेक्शन काफ़ी अधूरा है। जानिए आखिर फिल्म को क्यों देख सकते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उम्र के हिसाब से सरकार के किरदार में हुए परिवर्तन को स्क्रीन पर बाखूबी दर्शाया है और अपनी आवाज़ में भी एक बदलाव किया है जो काफ़ी सराहनीय है। समय के साथ साथ सरकार का पोता यानी चीकू भी बड़ा हुआ है जिसे अमित शाह ने अच्छा निभाया है। वही जैकी श्राफ, रोनित राय, रोहिणी, हथनगाड़ी और यामी गौतम का काम भी सहज है। मनोज वाजपेयी ने भी अपने पात्र को उम्दा ढंग से निभाया है। बाकी सभी कलाकारों का काम बढ़िया है। अगर आप इन एक्टर्स के दीवाने हैं तो एक बार ये फिल्म जरूर देखें। बॉक्स ऑफिस पर सभी एक्टर्स की फीस और प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन को मिलाकर फिल्म का बजट लगभग 30-40 करोड़ बताया जा रहा था और खबरों की माने तो डिजिटल राइट्स, म्यूजिक और सैटेलाइट को मिलाकर फिल्म को मुनाफे में ही देखा जा रहा है। वैसे बाहुबली 2 पहले से ही इतने सारे स्क्रीन में चल रही थी जिसकी वजह से खबरें थी कि इस फिल्म को लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज ही किया गया था और अनुमान यह था कि फिल्म वीकेंड में लगभग 15 करोड़ का बिजनेस कर सकती है और ज़्यादातर सिंगल स्क्रीन में ये फिल्म देखी जाएगी। सरकार 3 राम गोपाल वर्मा द्वारा सह निर्मित और निर्देशित 2017 की एक भारतीय राजनीतिक अपराध थ्रिलर फिल्म है। यह सरकार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है जिसमें पिछली फिल्म सरकार राज के प्रसंग को जारी किया गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन पुनः मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। उनके साथ रोनित राय, पराग त्यागी, जैकी श्राफ, मनोज वाजपेयी, अमित शाह और यामी गौतम भी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। पाकिस्तानी अभिनेत्री फिजा अली ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की।
फिल्म को 12 मई 2017 को दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया, जिसे इंडिया टाइम्स ने 3/5 रेटिंग का आलोचकों ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की। फिल्म में सरकार के अतिरिक्त संघर्ष और उनके राजमहल की राजनीतिक और शीर्ष स्तर के अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार के बीच पावर ब्रोकर संघर्ष दिखा देता है, जिसमें आंतरिक प्रतिद्वंद्वता और साजिश शामिल है। फिल्म के संगीत अधिकार इरोज म्यूजिक को दिए गए थे। फिल्म के संगीत को रोहन विनायक और रविशंकर ने बनाया है। पूर्ण संगीत 3 मई 2017 को प्रदर्शित किया गया था और इसे 7 गाने थे। सरकार वर्ष 2005 में प्रदर्शित हुई थी, जिसे सफलता और सराहना मिली थी। 2008 में इसका सीक्वल सरकार राज नाम से बनाया गया। 9 वर्ष बाद इसका तीसरा भाग सरकार 3 नाम से प्रदर्शित हुआ था। तीनों फिल्म अमिताभ बच्चन के किरदार सुभाष नागरे को केंद्रित रखकर बनाई गई हैं। अन्नू करकरे यानी यामी गौतम अपने पिता की मौत का दोषी सरकार यानी अमिताभ बच्चन को मानती हैं और बदला लेने की कोशिश में हैं। परिस्थितियों के मारे सरकार की व्यक्तिगत लड़ाई अपने पोते शिवाजी नागरे उर्फ चीकू यानी अमिषत से चल रही है। राजनीतिक उठापटक भी जारी है, जिससे सरकार के प्रभुत्व को खतरा पैदा हो रहा है। अपने सहयोगी गोकुल साटम यानी रोनित राय के सहारे सरकार अपने सबसे बड़े विरोधी माइकल वाल्या यानी जैकी श्रॉफ और मोदी तथा हिंसक राजनीतिक गोविंद देशपांडे यानी मनोज वाजपेयी के साथ एक डील करता है। क्या होगा इस डील का? क्या सरकार अपना प्रभुत्व बरकरार रख पाएगा? क्या अन्नू अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगी? इस सब का जवाब अभी इस वीडियो में आगे मिलेगा, या फिर आप इस मूवी को देखें। सरकार 3 राम गोपाल वर्मा द्वारा सह निर्मित और निर्देशित 2017 की एक भारतीय राजनीतिक अपराध थ्रिलर फिल्म है। यह सरकार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, जिसमें पिछली फिल्म सरकार राज के प्रसंग को जारी रखा गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन पुनः मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जिनके साथ रानित राय, पराग त्यागी, जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी, अमित साध और यामी गौतम भी फिल्म में भूमिका निभाई है। पाकिस्तानी अभिनेत्री फिजा अली ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की थी। इसमें संगीत दिया है रविशंकर, रोहन विनायक ने, इसके छायाकार रहे अमोल राठौड़। यह मूवी 131 मिनट की है। फिल्म को 12 मई 2017 को दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया था, जिसे इंडिया टाइम्स ने 3/5 रेटिंग व आलोचकों ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की थी। फिल्म में सरकार के आंतरिक संघर्ष और उनके महल राजनीति के साथ शीर्ष स्तर के अधिकारियों और महाराष्ट्र के बीच के पावर ब्रोकर संघर्ष दिखाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वता और साजिश शामिल है। इसमें अमिताभ बच्चन सुभाष नागरे यानी सरकार के रूप में है, मनोज वाजपेयी गोविंद देशपांडे के रूप में है, जैकी श्रॉफ माइकल वाल्या के रूप में है। अगर बात करें इसके फ्रेंचाइजी की, तो 2009 में राम गोपाल वर्मा ने कहा कि सरकार श्रृंखला की तीसरी फिल्म बनाने की अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। हालांकि 2012 में यह सूचित किया गया कि इसकी अगली कड़ी बढ़ाई जाएगी और वर्तमान में फिल्म अपने पूर्व उत्पादन चरण में है, जहां कहानी लिखी जा रही है। फिल्म के 2013 के अंत तक प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है। मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लिया गया, हालांकि उनका चरित्र पिछले फिल्म में अंत में मर जाता है। अगस्त 2016 में राम गोपाल वर्मा ने सरकार 3 की पुष्टि की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि अभिषेक और ऐश्वर्या तीसरे फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। ही लोड ऑन दिस ट्विटर एंड अभिषेक एंड ऐश्वर्या विल नॉट बी पार्ट ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। अगर बात करें इसके संगीत की, तो फिल्म के संगीत अधिकार इरोज म्यूजिक को दिए गए हैं। फिल्म के संगीत को रोहन विनायक और रविशंकर ने बनाया है। पूर्ण संगीत 3 मई 2017 को प्रदर्शित किया गया था और इसमें 7 गाने हैं। इसमें पहला संग था एंग्री मिक्स, जिसे गाया था मीका सिंह और सुखविंदर सिंह ने। दूसरा संग था गणपति आरती, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन ने। तीसरा संग था गुस्सा, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह ने। चौथा संग था सामदाम, जिसे गाया था कैलाश खेर और साकेत बरौलिया ने। पांचवा संग था थाम्बा, जिसे गाया था नवराज हंस ने। छठा संग था शक्ति, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह, साकेत बरौलिया और आदर्श शिंदे ने। सातवां संग था सरकार ट्रंस, जिसे गाया था नीलाधरी कुमार ने। इस तरह इस साउंड ट्रैक की कुल अवधि 30 मिनट 40 सेकंड। पावरफुल पॉडिकल फैमिली का एक वृद्ध सदस्य, जिसके अधिपत्य का लोग आज भी लोहा मानते हैं। सरकार फिल्म के मुख्य आकर्षण है, क्योंकि उनकी विशाल ताकत दर्शकों को उनसे जोड़ती है। सरकार फ्रेंची की इस फिल्म में सरकार के साथ उनके पोते शिवाजी नागरे यानी अमित साध नजर आ रहे हैं, जो कि अपने दादा से जितना प्यार करता है उतनी ही नफरत भी। क्या शिवाजी सुभाष को धोखा देता है, या फिर वह अपने दादा के ही खडयंत्र का शिकार हो जाता है? इस फ्रेंची के लीड किरदार और उनसे जुड़ी चीजें से पिछले 12 साल जुड़े हैं, जिससे इस फिल्म को देखते हुए आपको सब देखा हुआ ऐसा लगेगा। साथ ही यह शुरुआत से लेकर अंत तक सरकार की मौजूदगी का महत्व भी दर्शकों को बताता है। पिछली फिल्म में आपने दोनों बेटों बिष्णु यानी के मेनन और शंकर यानी अभिषेक बच्चन को खोने के बाद उनकी उम्र तो बढ़ी नजर आ रही है, लेकिन स्वभाव में आज भी वह उतने ही सख्त दिख रहे हैं।
अब वह कई चीजों से खुद को अलग कर चुके हैं, क्योंकि उनका काम उनके दोनों सहयोगी गोकुल यानी रानित और रमन पराग देखते हैं। उनकी पत्नी पुष्पा यानी सुप्रिया बीमार रहा करती है और वह पूरी तरह उनके देखभाल में लगे रहते हैं। कहानी सरकार के पोते शिवाजी और चीकू की एंट्री के साथ आगे बढ़ती है, जिसे गोकुल में उन गद्दारों के बारे में पता चलता है जो गुपचुप तरीके से डॉन बनने की तैयारी में है। यहाँ तक कि सत्ता के संघर्ष के लिए नागरे की चार दीवारी के बाहर भी गोविंद देशपांडे यानी मनोज वाजपेयी सत्ता का भूखा और नेता बनने की इच्छा रखने वाले दुबई बेस्ड बिजनेसमैन माइकल यानी जैकी और गांधी यानी बजरंगबली जैसे लोग सरकार को बर्बाद करने के लिए अपना अपना दांव लगाते हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या शिवा सत्य कंपनी और सरकार का पहला पार्ट बनाने वाले रामगोपाल वर्मा अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं? इस फिल्म में आपको फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा की इंटेंसिटी की कुछ झलक दिखती है। उनकी महाभारत रूपी कथा या राजमहल की राजनीति भी आप कह सकते हैं, यह बिना किसी रुकावट के पर्दे पर चलती है। हालांकि फिल्म की हर साजिश को लेकर आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं। फिल्म के कई डायलॉग काफी अर्थपूर्ण हैं, लेकिन यह फिल्म को बहुत ज्यादा असरदार नहीं बना पाते। इस फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी लाइट और शेडो का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जो फिल्म का ट्रेडमार्क है। साथ ही गोविंदा गोविंदा वाला बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म में शानदार है। बच्चन द्वारा गाई गई गणेश आरती आपका मंत्रमुग्ध करने वाला है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और अंदाज भी को अभिभूत करने के लिए काफी है। उनके फैंस के लिए इससे एक शानदार तोहफा कह सकते हैं। अमित मनोज जैकी और रानित ने काफी शानदार अभिनय का परिचय दिया है, तो वही अभिनेत्री यामी सुप्रिया और रोहिणी का रोल बेहद छोटा है और वह कुछ समय के लिए ही पर्दे पर नजर आती हैं। अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्ति बन गए। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्मफेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय सांसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुत चर्चित रहा। अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ और इनकी 2 संतानें हैं, नेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से हुआ है। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उनकी माँ तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में अमिताभ जी का नाम इंकलाब रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इंकलाब जिंदाबाद से लिया गया था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है सशस्त्र प्रकाश। यद्यपि इसका उपनाम श्रीवास्तव था, वह कैस्ट जात से संबंध रखते हैं, फिर भी इनके पिता ने इस उपनाम को अपने कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्गृत किया। यह उनका उपनाम ही है जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सर्वाधिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अमिताभ का विवाह 1973 में हुआ था, जंजीर नामक फिल्म के उद्घाटन के बाद। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटे में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी माता तेजी बच्चन की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी, किंतु उन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में इनकी माता का भी कुछ योगदान था, क्योंकि वे हमेशा इस बात पर भी जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना करियर बनाना चाहिए। बच्चन के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 को हुई थी। अमिताभ बच्चन ने 2 बार MA की उपाधि ग्रहण की है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल तथा इसके बाद नैनीताल के सिवर्डुल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश लिया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ी मल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अभिनय में अपना करियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फार्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। 3 जून 1973 को इन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह कर दिया। इस दंपत को 2 बच्चों बेटी श्वेता और पुत्र अभिषेक पैदा हुए। अमिताभ ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म सात हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में एक कलाकार के रूप में की थी। उत्पलन दत्त मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म में वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवांगतु का पुरस्कार जीता। इन सफल व्यावसायिक और समीक्षक फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद जो कि 1971 में आई थी नामक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले अमिताभ बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति बेवकूफ़ी और देश की वास्तविकता के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अमिताभ ने 1971 में बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इनके साथी कलाकारों में नवीन निश्चल, योगिता वाली और ओम प्रकाश थे, और इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद इनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाई, जिनमें रेशमा और शेरा भी शामिल है, और इन दिनों इन्होंने गुड्डी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इनके साथ इनकी पत्नी जया भादुड़ी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी जबरदस्त आवाज़ के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के प्रारंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म के कुछ भाग का बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। इन्होंने अरुणा ईरानी, महमूद अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुक रहे थे। स्टारडम की ओर उत्थान 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर जो कि 1973 में आई थी में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यही से इनके करियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इससे पूर्व के रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिसने अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखा जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे। यही वह प्रतिष्ठा थी जिसके बाद में इन्हें अपनी फिल्मों में हासिल करते हुए उसका अनुसरण करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी जिसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत करवाया। 1973 की वह साल था जब उन्होंने 3 जून को जया से विवाह किया, और इसी समय दोनों केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे अभिमान जो इनकी शादी के केवल एक मास बाद ही रिलीज हो गई थी। बाद में हरकेश मुखर्जी के निर्देशन तथा वीरेश चटर्जी द्वारा लिखित नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका मिली, जिसमें दोस्ती के सार को प्रदर्शित किया गया था। राजेश खन्ना और रेखा के विपरीत इनकी सहायक भूमिका में इन्हें बेहद सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार की भूमिका करने के बाद अमिताभ बच्चन ने बहुत सी फिल्मों में कई बार मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जैसे कुमारा बाप और दोस्त। मनोज कुमार द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म जिसमें दमन और वित्तीय एवं भावात्मक संघर्षों के समक्ष भी ईमानदारी का चित्रण किया गया था, वास्तव में आलोचकों एवं व्यापार की दृष्टि से एक सफल फिल्म थी, और इसमें सह कलाकार की भूमिका में अमिताभ के साथी के रूप में मनोज कुमार स्वयं और शशि कपूर एवं जीनत अमान थी। अमिताभ बच्चन ने 6 दिसंबर 1974 की बॉलीवुड की फिल्में की। 1974 को रिलीज मजबूर फिल्म में अग्रणी भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉलीवुड फिल्म चिक चेक की नकल कर बनाई गई थी, जिसमें जॉर्ज कैनेडी अभिनेता थे, किंतु बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, और 1975 में इन्होंने हास्य फिल्म चुपके चुपके से लेकर अपराध पर बनी फिल्म फरार और रोमांस फिल्म मिली में अपने अभिनय के जौहर दिखाए।
तथापि 1975 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें इन्होंने दो फिल्मों में भूमिकाएं की और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका की, जिसमें इनके साथ शशि कपूर, निरूपा राय और नीतू सिंह थी, और इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलवा दिया। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर चौथे स्थान पर रही और इंडिया टाइम्स की मूवियों में बॉलीवुड की हर हाल में देखने योग्य शीर्ष 25 फिल्मों में भी नाम आया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज शोले हुई और भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई। अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष के कलाकारों जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन और अमजद खान के साथ जयदेव की भूमिका अदा की थी। 1999 में बीबीसी इंडिया ने इस फिल्म को शताब्दी की फिल्म का नाम दिया और दीवार की तरह इसे इंडिया टाइम्स म्यूज में बॉलीवुड के शीर्ष 25 फिल्मों में से शामिल किया। उसी साल 50वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार के निर्णायक ने एक विशेष पुरस्कार दिया जिसका नाम 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार था। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार वाले फिल्मफेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार एवं ख्यात मिली। हालांकि शोले जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उनके लिए पहले से ही महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर लिया था, फिर भी बच्चन ने बताया कि वह दूसरी भूमिकाओं में स्वयं को ढाल लेते हैं और रोमांस फिल्मों में भी अग्रणी भूमिका कर लेते हैं, जैसे कभी कभी जो कि 1976 में आई थी, और कॉमेडी फिल्मों में जैसे अमर अकबर एंथनी जो कि 1977 में आई थी, और इससे पहले भी चुपके चुपके जो कि 1975 में आई थी में काम कर चुके हैं। 1976 में इन्हें यश चोपड़ा ने अपनी दूसरी फिल्म कभी कभी में साइन कर लिया। यह एक और रोमांस फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक अमित मल्होत्रा के नाम वाले युवा कवि की भूमिका निभाई थी, जिसे राखी गुलजार द्वारा निभाई गई पूजा नामक एक युवा लड़की से प्रेम हो जाता है। इस बातचीत के भावात्मक जोश और कोमलता के विषय अमिताभ बच्चन की कुछ पहले की एक्शन फिल्मों तथा जिन्हें वे बाद में करने वाले थे की तुलना में प्रत्यक्ष कटाक्ष किया। इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित किया और बॉक्स ऑफिस पर यह एक सफल फिल्म थी। 1977 में इन्होंने अमर अकबर एंथनी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इस फिल्म में इन्होंने विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथनी गांसलेस के नाम की तीसरी अग्रणी भूमिका की थी। 1977 संभवतः इनके जीवन का सर्वाधिक प्रशंसनीय वर्ष रहा और भारत में उस समय की सबसे अधिक आय अर्जित करने वाली चार फिल्मों में इन्होंने स्टार कलाकार की भूमिका निभाई। इन्होंने एक बार फिर कस्मे वादे जैसी फिल्मों में अमित और शंकर तथा डॉन में अंडरवर्ल्ड गैंग और उसके हमशक्ल विजय के रूप में दोहरी भूमिका निभाई। इनमें अभिनय ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाए। इनके आलोचकों ने त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में इनके अभिनय की प्रशंसा की तथा इन दोनों फिल्मों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इस पड़ाव पर इस अप्रत्याशित दौड़ और सफलता के नाते इनके करियर में इन्हें फ्रैंकाइज ट्रूफोर्ड नामक निर्देशन द्वारा वन मैन इंडस्ट्री का नाम दिया। 1979 में पहली बार अमिताभ को मिस्टर नटवरलाल नामक फिल्म के लिए अपनी सहयोगी कलाकार रेखा के साथ काम करते हुए गीत गाने के लिए अपनी आवाज़ का प्रयोग करना पड़ा। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पार्श्व गायक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। 1979 में इन्हें काला पत्थर जो कि 1979 में आई थी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और इसके बाद 1980 में राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ताना में दोबारा नामित किया गया जिसमें इनके सह कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान थी। दोस्ताना जो कि 1980 में आई थी शीर्ष फिल्म साबित हुई। 1981 में इन्होंने यश चोपड़ा की नाटकीय फिल्म सिलसिला में काम किया जिसमें इनकी सह कलाकार के रूप में इनकी पत्नी जया और अफवाहों में इनके प्रेम का रेखा थी। इस युग की दूसरी फिल्मों में राम बलराम के 1980 में आई थी, शान जो कि 1980 में आई थी, लावारिस जो कि 1981 में आई थी और शक्ति जो कि 1982 में आई थी जैसी फिल्में शामिल थी। इन्होंने दिलीप कुमार जैसे अभिनेता से इनकी तुलना की जाने लगी थी।
1982 में कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपने सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपनी आंतों को लगभग घायल कर लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में स्टंट अपनी मर्जी से करने की छूट ली थी। इसके एक सीन में इन्हें मेज पर गिरना था और इसके बाद जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही यह मेज की ओर कूदे तब मेज का कोना इनके पेट से टकराया, जिससे इनके आंतों को चोट पहुंची और इनके शरीर से काफी खून बह निकला था। इन्हें जहाज से फौरन स्प्लेनेक्टोमी के उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया और वहां ये कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और कई बार मौत के मुंह में जाते जाते बचे। यह अफवाह भी फैल गई थी कि वह एक दुर्घटना में मर गए हैं और संपूर्ण देश में इनके चाहने वालों की भारी भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआई करने में जुट गई थी। इस दुर्घटना की खबर दूर दूर तक फैल गई और यूके के अखबारों की सुर्खियां में छपने लगी, जिसके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। बहुत से भारतीय ने मंदिरों में पूजा अर्चना करवाई और उन्हें बचाने के लिए अपने अंग अर्पण किए और बाद में जहां इनका उपचार किया जा रहा था उस अस्पताल के बाहर इनके चाहने वालों की मीलों लंबी कतारें दिखाई देती थी। इस पर भी इन्होंने ठीक होने में कई महीनों ले लिए और उस साल के अंत में एक लंबे अरसे के बाद पुनः काम आरंभ किया। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई और आंशिक तौर पर अमिताभ बच्चन की दुर्घटना के असीम प्रचार के कारण बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। निर्देशक मनमोहन देसाई ने कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन की दुर्घटना के बाद फिल्म के कहानी का अंत बदल दिया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के चरित्र को वास्तव में मृत्यु प्राप्त होनी थी, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में परिवर्तन करने के बाद उन्हें अंत में जीवित रखा गया। देसाई ने इसके बारे में कहा था कि ऐसे आदमी के लिए यह कहना बिल्कुल अनुपयुक्त होगा कि जो असली जीवन में मौत से लड़कर जीता हो उसे पर्दे पर मौत अपना ग्रास बना ले। इस रिलीज फिल्म में पहले सीन के अंत को जटिल मोड़ पर रोक दिया गया था और उसके नीचे एक कैप्शन प्रकट होने लगा के घायल होने की बात लिखी गई थी और इसमें दुर्घटना के प्रचार को सुनिश्चित किया गया था। बाद में मिया थीसिया ग्रेविस में उलझ गए, जो कुली में दुर्घटना के चलते या तो भारी मात्रा में दवाई लेने से हुआ या इन्हें जो बाहर से अतिरिक्त रक्त दिया गया था इसके कारण हुआ। उनकी बीमारी में इन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर महसूस करने पर मजबूर किया और उन्होंने फिल्म में काम करने से सदा के लिए छुट्टी लेने और राजनीति में शामिल होने का निर्णय किया। यही वह समय था जब उनके मन में फिल्मी करियर के संबंध में निराशावादी विचारधारा का जन्म हुआ और प्रत्येक शुक्रवार को रिलीज होने वाली नई फिल्म के प्रत्युत्तर के बारे में चिंतित रहते थे। प्रत्येक रिलीज से पहले वह नकारात्मक रवैये में जवाब देते थे कि यह फिल्म तो फ्लॉप होगी। राजनीति। 1984 में अमिताभ बच्चन ने अभिनय से कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी की सपोर्ट में राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को इन्होंने आम चुनाव के इतिहास में मार्जिन से विजय दर्ज करते हुए चुनाव में हराया था। हालांकि इनका राजनीतिक करियर कुछ अवधि के लिए ही था। इनके 30 साल बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक अवधि को पूरा किए बिना त्याग दिया। इस त्यागपत्र के पीछे इनके भाई का बेफोर्स विवाद में अखबार में नाम आना था। इसके लिए इन्हें अदालत में जाना पड़ा। इस मामले में अमिताभ बच्चन को दोषी नहीं पाया गया। उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने इनकी कंपनी ABCL के फेल हो जाने के कारण आर्थिक संकट के समय इनकी मदद की। इनके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी में सहयोग देना शुरू किया। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा की सदस्य बन गई। बच्चन ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना समर्थन देना जारी रखा, जिसमें राजनीतिक अभियान अर्थात प्रचार प्रसार करना शामिल था। इनकी इन गतिविधियों ने एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया और इन्हें झूठे दावों के सिलसिले में कि वे एक किसान हैं के संबंध में कानूनी कागजात जमा करने के लिए अदालत जाना पड़ा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि स्वयंभू प्रेस ने अमिताभ बच्चन पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्टारडस्ट और कुछ अन्य पत्रिकाओं ने मिलकर एक संघ बनाया जिसमें अमिताभ के शीर्ष पर रहते समय 15 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्होंने अपने प्रकाशनों में अमिताभ के बारे में कुछ भी ना छपने का निर्णय लिया। 1989 के अंत तक अमिताभ बच्चन ने उनके सेटों पर प्रेस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था,
लेकिन वह किसी विशेष पत्रिका के खिलाफ नहीं थे। ऐसा कहा गया कि अमिताभ बच्चन ने कुछ पत्रिकाओं को प्रतिबंधित कर रखा था क्योंकि उनके बारे में इनमें जो कुछ प्रकाशित होता रहता था वह उसे पसंद नहीं करते थे, और इसी के चलते एक बार उन्हें इनका अनुपालन करने के लिए अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग करना पड़ा। 1988 में अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में 3 साल की छोटी सी राजनीतिक अवधि के बाद वापस लौट आए और शहंशाह में शीर्षक भूमिका की, जो बच्चन की वापसी के चलते बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस वापसी वाली फिल्म के बाद इनकी स्टार पावर तीच होती चली गई क्योंकि इनकी आगे आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होती रही। 1991 की हिट फिल्म हम से ऐसा लगा कि यह वर्तमान प्रवृत्ति को बदल देगी, किंतु इनकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलता के चलते सफलता का यह क्रम कुछ पल का ही था। उल्लेखनीय है कि हिट की कमी के बावजूद यह वह समय था जब अमिताभ बच्चन ने 1990 की फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन की यादगार भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। ऐसा लगता था कि अब ये वर्ष इनके अंतिम वर्ष होंगे क्योंकि अब इन्हें केवल कुछ समय के लिए ही पर्दे पर देखा जा सकेगा। 1992 में खुदा गवाह के रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन ने अगले 5 वर्षों के लिए अपने आधे रिटायरमेंट की ओर चले गए। 1994 में इनके दौर से रिलीज होने वाली कुछ फिल्मों में से एक फिल्म इंसानियत रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। अस्थायी सेवानिवृत्त की अवधि के दौरान बच्चन निर्माता बने और अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। 1996 से वर्ष 2000 तक 10 बिलियन रुपए लगभग 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली मनोरंजन की एक प्रमुख कंपनी बनाने का सपना देखा। ABCL की रणनीति में भारत के मनोरंजन उद्योग के सभी वर्गों के लिए उत्पादन एवं सेवाएं प्रचलित करना था। इसके ऑपरेशन में मुख्य धारा की व्यावसायिक फिल्म उत्पादन और वितरण, ऑडियो और वीडियो कैसेट डिस्क उत्पादन और विपणन के टेलीविजन सॉफ्टवेयर हस्ती और इन्वेंट प्रबंध शामिल था। 1996 में कंपनी के आरंभ होने के तुरंत बाद कंपनी द्वारा उत्पादित पहली फिल्म तेरे मेरे सपने थी जो बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, लेकिन अरशद वारसी दक्षिण और फिल्मों के सुपरस्टार सिमरन जैसे अभिनेताओं के करियर के लिए द्वार खोल दिए। BCL ने कुछ फिल्में बनाई लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। 1997 में BCL द्वारा निर्मित मृत्युदाता फिल्म से बच्चन ने अपने अभिनय में वापसी का प्रयास किया। यद्यपि मृत्युदाता ने बच्चन की पूर्व एक्शन हीरो वाली छवि को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन ABCL के उपक्रम वाली फिल्म थी और विफलता दोनों के आर्थिक रूप से गंभीर है। ABCL 1997 में बैंगलोर में आयोजित 1996 की मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रमुख प्रायोजक था और इसके खराब प्रबंधन के कारण इसे करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। इस घटनाक्रम और ABCL के चारों ओर कानूनी लड़ाइयों और इस कार्यक्रम के विभिन्न गठबंधनों के परिणाम स्वरूप यह तथ्य प्रकट हुआ कि ABCL ने अपने अधिकांश उच्च स्तरीय प्रबंधकों को जरूरत से ज़्यादा भुगतान किया है, जिसके कारण वर्ष 1997 में वह वित्तीय और क्रियाशील दोनों तरीके से ध्वस्त हो गई। कंपनी प्रशासन के हाथों में चली गई और बाद में इसे भारतीय उद्योग मंडल द्वारा असफल करार दे गया। अप्रैल 1999 में मुंबई उच्च न्यायालय ने अमिताभ बच्चन को अपने मुंबई वाले बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैटों को बेचने पर तब तक रोक लगा दी जब तक कैनरा बैंक की राशि को लौटाए जाने वाले मुकदमे का फैसला ना हो जाए। बच्चन ने हालांकि दलील दी कि उन्होंने अपना बंगला सहारा इंडिया फाइनेंस के पास अपनी कंपनी के लिए कोष बढ़ाने के लिए गिरवी रख दिया है। बाद में बच्चन ने अपने अभिनय के करियर को संवारने का प्रयास किया, जिसमें उसे बड़े मियां छोटे मियां जो कि 1998 में आई थी और औसत सफलता मिली, और सूर्यवंशम जो कि 1999 में आई थी से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई, लेकिन तथाप मान लिया गया कि अमिताभ बच्चन की महिमा के दिन अब समाप्त हुए चूँकि उनके बाकी सभी फिल्मों जैसे लाल बादशाह जो कि 1999 में आई थी और हिंदुस्तान की कसम जो कि 1999 में आई थी बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन ने ब्रिटिश टेलीविजन शो के खेल हु वांट्स टू बी ए मिलियनर को भारत में अनुकूल हेतु कदम बढ़ाया, जिसका शीर्षक था कौन बनेगा करोड़पति, जैसा कि अधिकांश अन्य देशों में चला था। कार्यक्रम को तत्काल और गहरी सफलता मिली, जिसमें अमिताभ बच्चन के करिश्मे का भी छोटे रूप में योगदान था। यह माना जाता है कि बच्चन ने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए साप्ताहिक प्रकरण के लिए अत्यधिक
25 लाख रुपए लिए थे, जिसके कारण बच्चन और उनके परिवार को नैतिक और आर्थिक दोनों रूप से बल मिला। इससे पहले ABCL के बुरी तरह असफल हो जाने से अमिताभ बच्चन के गहरे झटके लगे थे। नवंबर 2000 में केनरा बैंक ने भी इनके खिलाफ अपने मुकदमे को वापस ले लिया। बच्चन ने KBC का आयोजन नवंबर 2005 तक किया और इनकी सफलता ने फिल्म की लोकप्रियता के प्रति इनके द्वार फिर से खोल दिए। सन 2000 में अमिताभ बच्चन जब आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित यश चोपड़ा की बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें ने भारत के वर्तमान धड़कन शाहरुख खान के चरित्र में एक कठोर की भूमिका की, तब इन्हें अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। दर्शक ने अमिताभ बच्चन के काम की सराहना की क्योंकि उन्होंने एक ऐसे चरित्र की भूमिका निभाई जिसकी उम्र उनकी स्वयं की उम्र जितनी थी और अपने पूर्व की एंग्री यंग मैन वाली छवि जो अब नहीं है के युवा व्यक्ति से मिलती जुलती भूमिका थी। इनकी अन्य सफल फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ एक बड़े परिवार के पितृपुरुष के रूप में प्रदर्शित होने में एक रिश्ता, द वांड ऑफ लव जो कि 2001 में आई थी, कभी खुशी कभी गम जो कि 2001 में आई थी और बागबन जो कि 2003 में आई थी हैं। एक अभिनेता के रूप में इन्होंने अपनी प्रोफाइल के साथ मेल खाने वाले चित्रों की भूमिका करनी जारी रखी तथा अक्स जो कि 2001 में आई थी, आंखें जो कि 2002 में आई थी, खाकी जो कि 2004 में आई थी, देव जो कि 2004 में आई थी और ब्लैक जो कि 2005 में आई थी जैसी फिल्मों के लिए इन्हें अपने आलोचकों की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। इस प्रोत्साहन का लाभ उठाकर अमिताभ बच्चन ने बहुत से टेलीविजन और बिलबोर्ड विज्ञापनों में उपस्थित देकर विभिन्न किस्मों के उत्पादन एवं सेवाओं के प्रचार के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। 2005 और 2006 में इन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ बंटी और बबली जो कि 2005 में आई थी, गॉडफादर श्रद्धांजल सरकार जो कि 2005 में आई थी और कभी अलविदा न कहना जो कि 2006 में आई थी जैसी हिट फिल्मों में स्टार कलाकार की भूमिका की। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अत्यधिक सफल रही। 2006 और 2007 के शुरू में रिलीज उनकी फिल्मों में बाबुल जो कि 2006 में आई थी और एकलव्य जो कि 2007 में आई थी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, किंतु इनमें से प्रत्येक में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों से सराहना मिली। इन्होंने चंद्रशेखर नागाथिल्ली द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म अमृत धारा में मेहमान कलाकार की भूमिका की। मई 2007 में इनकी दो फिल्मों में से एक चीनी कम और बहुत अभिनीत शूट आउट एंड लोखंडवाला रिलीज हुई। शूट आउट एट लोखंडवाला बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी रही और भारत में इसे हिट घोषित किया गया और चीनी कम ने धीमी गति से आरंभ होते हुए कुल मिलाकर औसत हिट का दर्जा पाया। अगस्त 2007 में इनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले की रीमेक बनाई गई और उसे राम गोपाल वर्मा की आग शीर्षक से जारी किया गया, जिसमें इन्हें बब्बन सिंह यानी मूल गब्बर सिंह के नाम से खलनायक की भूमिका अदा की, जिसे स्वर्गीय अभिनेता अमजद खान द्वारा 1975 में मूल रूप से निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद नाकाम रही और आलोचना करने वालों ने भी इसकी कठोर निंदा की। इनकी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म ऋतुपर्णा घोष द लास्ट ईयर का वर्ष 2007 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 9 सितंबर 2007 को प्रीमियर लॉन्च किया गया। इन्हें अपने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने स्वागत के रूप में ब्लैक में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद अब तक सराहना की। बच्चन संताराम नामक शीर्ष वाली एक मीरा नायर द्वारा निर्देशित फिल्म में सहायक कलाकार की भूमिका करने जा रहे हैं। इसके सितारे बॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप हैं। यह फिल्म का फिल्मांकन फरवरी 2008 में शुरू होना था, लेकिन लेखक की हड़ताल की वजह से इस फिल्म को सितंबर 2008 में फिल्मांकन हेतु टाल दिया गया। 9 मई 2008 को भूतनाथ फिल्म में इन्होंने भूत के रूप में शीर्षक भूमिका की, जिसे रिलीज किया गया। जून 2008 में रिलीज हुई उनकी नवीनतम फिल्म सरकार राज, जो उनके वर्ष 2005 में बनी फिल्म सरकार का परिणाम थी। नवंबर 2005 में अमिताभ बच्चन को एक बार फिर लीलावती अस्पताल की ICU में बीटी शोथ की छोटी आंत की सर्जरी के लिए भर्ती किया गया। उनके पेट में दर्द की शिकायत के कुछ दिन बाद ही ऐसा हुआ। इस अवधि के दौरान और ठीक होने के बाद उनकी ज़्यादातर परियोजनाओं को रोक दिया गया, जिसमें कौन गनेगा
जिसमें कौन बनेगा करोड़पति का संचालन करने की प्रक्रिया में शामिल थे। भारत भी मानव मुख बना हुआ यथार्थ जैसा दिखाई देने लगा था और इनके चाहने वालों एवं प्रार्थनाओं के बाद देखने के लिए एक के बाद एक हंसती देखने के लिए आती थी। इस घटना के समाचार संतृप्त कवरेज तथा अखबारों और टीवी समाचार चैनलों में फैल गए। अमिताभ मार्च 2006 में काम करने के लिए वापस लौट आए। अमिताभ बच्चन अपनी जबरदस्त आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। वे बहुत से कार्यक्रमों में एक वक्ता, पार्श्व गायक और प्रस्तोता रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज़ से प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे इनसे प्रभावित हुए कि इन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में इनकी आवाज़ का उपयोग कमेंट्री के लिए करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उन्हें इनके लिए कोई उपयुक्त भूमिका नहीं मिली थी। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के पहले अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में समाचार उद्देशक नामक पद हेतु नौकरी के लिए आवेदन किया। इसके लिए इन्हें आयोग घोषित कर दिया गया था। बाराबंकी भूमि प्रकरण के लिए भागदौड़ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007 अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म बनाई जिसमें मुलायम सिंह सरकार के गुणगानों का बखान किया गया था। उसका समाजवादी पार्टी मार्ग था और मायावती सत्ता में आई 2 जून 2007 फैजाबाद अदालत ने इन्हें आदेश दिया कि उन्होंने भूमिहीन दलित किसानों के लिए विशेष रूप से आरक्षित भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहित किया गया है। जालसाजी से संबंधित आरोपों के लिए इनकी जांच की जा सकती है। जैसा कि उन्होंने दावा किया कि उन्हें कथित तौर पर एक किसान माना जाए, यदि वह कहीं भी कृषि भूमि के स्वामी के लिए उत्तीर्ण नहीं कर पाते तब उन्हें 20 एकड़ फार्म हाउस की भूमि को खोना पड़ सकता है और उन्हें मवालपुरे ने निकट खरीदी थी। 19 जुलाई 2007 के बाद घोटाले खुलने के बाद अमिताभ बच्चन ने बाराबंकी उत्तर प्रदेश और पुणे में अधिग्रहित की गई भूमि को छोड़ दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को उनके साथ उनके पुत्र अभिषेक बच्चन द्वारा पुणे में अवैध रूप से अधिग्रहण भूमि को दान करने के लिए पत्र लिखा। हालांकि लखनऊ की अदालत ने भूमि दान पर रोक लगा दी और कहा कि वह इस भूमि को पूर्व स्थित में ही रहने दिया जाए। 12 अक्टूबर 2007 को बच्चन ने बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव की इस भूमि के दावे को छोड़ दिया। 11 दिसंबर 2007 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी जिले में इन्हें अवैध रूप से जमीन आवंटित करने के मामले में हरी झंडी दे दी। बच्चन को हरी झंडी देते हुए लखनऊ की एंकल खंडपीठ के न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनसे प्रमाणित हो कि अभिनेता ने राजस्व अभिलेखों में स्वयं के द्वारा कोई हेराफेरी अथवा फेरबदल किया हो। बाराबंकी मामले में अपने पक्ष में सकारात्मक फैसला सुनाने के बाद अमिताभ बच्चन ने महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया कि पुणे जिले के मरवाल तहसील में वह अपनी जमीन का आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। जनवरी 2008 में राजनीतिक रैलियों पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन को अपना निशाना बनाते हुए कहा कि ये अभिनेता महाराष्ट्र की तुलना में अपनी मातृभूमि के प्रति अधिक रुचि रखते हैं। उन्होंने अपनी बहु अभिनेत्री ऐश्वर्या बच्चन के नाम पर लड़कियों का एक विद्यालय महाराष्ट्र के बजाय उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उद्घाटन के लिए अपनी मंजूरी दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन के लिए राज की आलोचना, जिसकी वह प्रशंसा करते हैं, अमिताभ के पुत्र अभिषेक का ऐश्वर्या के साथ हुए विवाह में आमंत्रित न किए जाने के कारण उत्पन्न हुई, जबकि उनके अलग रह रहे चाचा बाल और चचेरे भाई उद्भव को आमंत्रित किया गया था। राज के आरोपों के जवाब में अभिनेता की पत्नी जया बच्चन ने सपा सांसद हैं ने कहा कि वह बच्चन परिवार मुंबई में एक स्कूली खोलने की इच्छा रखते हैं, बशर्ते एमएनएस के नेता उन्हें इसका निर्माण करने के लिए भूमि दान करें। उन्होंने मीडिया से कहा, मैंने सुना है कि राज ठाकरे के पास महाराष्ट्र में मुंबई के कोहिनूर गिल्ड की बड़ी संपत्ति है, यदि वे भूमि दान देना चाहते हैं तब हम यहां ऐश्वर्या राय के नाम पर एक स्कूल चला सकते हैं। इसके बावजूद अमिताभ ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बाल ठाकरे ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति है और महाराष्ट्र के लिए उनके मन में विशेष प्रेम है, जिन्हें कई अवसरों पर देखा जा चुका है। इस अभिनेता ने अक्सर कहा है कि महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई ने इन्हें महान प्रसिद्ध और स्नेह दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह आज जो कुछ भी हैं इसका श्रेय जनता द्वारा दिए गए प्रेम को जाता है। मुंबई के लोगों ने हमेशा उन्हें एक कलाकार के रूप में ही स्वीकार किया है। उनके खिलाफ इस प्रकार के संकीर्ण आरोप लगाना नितांत मुख्यता होगी।
दुनिया भर में सुपरस्टार अमिताभ हैं, दुनिया भर के लोग उनका सम्मान करते हैं, इसे कोई भी नहीं भूल सकता है। अमिताभ को इन घटिया आरोपों की उपेक्षा करनी चाहिए और अपने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमिताभ की राज के द्वारा की गई गणना के अनुसार इनकी उन्हें तारीफ करते हुए बताया जाता है कि बड़ी निराश हुई जब उन्हें अमिताभ के बेटे अभिषेक की सूर्या के साथ में विवाह आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि उन्हें राजन सदा, चाचा बाल और चचेरे भाई उद्धव को आमंत्रित किया गया था। 23 मार्च 2008 को राज की टिप्पणियों के लगभग 1.5 महीने बाद अमिताभ बच्चन ने एक स्थानीय अखबार को साक्षात्कार देते हुए कह दिया कि आकस्मक ही लगते हैं और उन्हें ऐसे ही किसी विशेष ध्यान की जरूरत नहीं है जो आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं। इसके बाद 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी के एक सम्मेलन ने जब उनसे पूछा गया कि प्रवास विरोधी मुद्दे पर उनकी क्या राय है, तब अमिताभ बच्चन ने कहा कि यह देश के किसी भी स्थान पर रहने का एक मौलिक अधिकार है और संविधान ऐसा करने की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे राज की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं हैं। पनामा पेपर्स के बाद पैराडाइजाइन पेपर्स में भी अमिताभ बच्चन का नाम KBC1 के बाद विदेशी कंपनी में लगाया था पैसा। अमिताभ बच्चन की 1969 में 2 फिल्में आई थी, जिसमें पहली थी सात हिंदुस्तानी और दूसरी थी भुवन सोम। सात हिंदुस्तानी में उन्होंने अनवर अली की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवांतुक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था और भुवन सोम में उन्होंने अपनी वॉइस का इस्तेमाल किया था। पर 1971 में इनकी 5 फिल्में आई थी, जिनमें परवाना, आनंद, रेशमा और शेरा, गुड्डी, प्यार की कहानी आदि थी। परवाना मूवी में इन्होंने कुमार सेन की भूमिका निभाई थी। आनंद में इन्होंने डॉक्टर कुमार भास्कर बनर्जी यानी बाबू मोशाय की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। रेशमा और शेरा में इन्होंने छोटू की भूमिका निभाई थी, गुड्डी में इन्होंने खुद की भूमिका निभाई थी और प्यार की कहानी में इन्होंने रामचंद्र की भूमिका निभाई थी। फिर 1972 में इनकी फिल्में आई थी, जिनमें थी संजोग, बिंसी बिरजू, पिया का घर, एक नज़र, बावर्ची, रास्ते का पत्थर, बॉम्बे टू गोवा। संजोग में इन्होंने मोहन की भूमिका निभाई थी, बंसी बिरजू में इन्होंने बिरजू की भूमिका निभाई थी, पिया का घर में ये एक मेहमान कलाकार के रूप में थे, एक नज़र में इन्होंने मनमोहन आकाश त्यागी की भूमिका निभाई थी, बावर्ची मूवी में इन्होंने वर्णन करने वाला यानी ए वॉइस आर्टिस्ट की भूमिका निभाई थी और रास्ते का पत्थर में इन्होंने जयशंकर राय की भूमिका निभाई थी। बॉम्बे टू गोवा इन्होंने रवि कुमार की भूमिका निभाई थी। बॉम्बे टू गोवा में इन्होंने रवि कुमार की भूमिका निभाई थी। फिर 1973 में इनकी फिल्में आई थी बड़ा कबूतर, बंधे हाथ, जंजीर, गहरी चाल, अभिमान, सौदागर, नमक हराम। बड़ा कबूतर में इन्होंने मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। बंदे हाथ में इन्होंने सामू और दीपक की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनकी डबल भूमिकाएं थी। जंजीर में इन्होंने इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 1973 में आई फिल्म गहरी चाल में इन्होंने रतन का रोल निभाया था। अभिमान में इन्होंने सुबीर कुमार का रोल निभाया था और सौदागर में इन्होंने मोती का रोल निभाया था और नमक हराम फिल्म में इन्होंने विक्रम यानी पिक्की का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 1974 में इनकी फिल्में आई थी कुमारा बाप, दोस्त, कसौटी, बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान, मजबूर। कुमारा बाप में इन्होंने एंगस्टीन का रोल निभाया था, जिसमें इनकी अतिथि उपस्थित थी। दोस्त में इन्होंने आनंद का रोल निभाया था, इसमें भी इनकी अतिथि उपस्थित थी। कसौटी में इन्होंने अमिताभ शर्मा यानी अमित का रोल निभाया था। बेनाम में इन्होंने अमित श्रीवास्तव का रोल निभाया था। रोटी कपड़ा और मकान में इन्होंने विजय का रोल निभाया था। मजबूर में इन्होंने रवि खन्ना का रोल निभाया था। फिर 1975 में इनकी फिल्में आई चुपके चुपके, फरार, मिली, दीवार, जमीन और शोले। चुपके चुपके में इन्होंने कुमार सिन्हा, परिमल त्रिपाठी का रोल निभाया था। फरार में इन्होंने राजेश यानी राज का रोल निभाया था। मिली में इन्होंने शेखर दयाल का रोल निभाया था। दीवार में इन्होंने विजय शर्मा यानी मनोनीत फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इस फिल्म के लिए जीता था। जमीर में इन्होंने बादल चिंपू का रोल निभाया था। शोले में इन्होंने जय यानी जयदेव का रोल निभाया था। दो अनजाने में इन्होंने अमित राय यानी नरेश दत्त का रोल निभाया था। छोटी सी बात फिल्म में इन्होंने विशेष उपस्थित थे। कभी कभी फिल्म में इन्होंने अमित मल्होत्रा का रोल निभाया था और मनोनीत फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी इस फिल्म के लिए दिया गया था। हेरा फेरी में इन्होंने विजय इंस्पेक्टर हीराचंद का रोल निभाया था। फिर 1977 में इनकी फिल्में आई थी अलाप, चरण दास, अमर अकबर एंथनी, शतरंज के खिलाड़ी, अदालत, ईमान धर्म, खून पसीना,
परवरिश। फिर 1976 में इनकी फिल्में आई थी दो अनजाने, छोटी सी बात, कभी कभी, हेरा फेरी। दो अनजाने में इन्होंने अमित राय यानी नरेश दत्त की भूमिका निभाई थी। छोटी सी बात में इनकी विशेष उपस्थित थी। कभी कभी मूवी में इन्होंने अमित मल्होत्रा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया था। हेरा फेरी में इन्होंने विजय इंस्पेक्टर हीराचंद का रोल निभाया था। फिर 1977 में इनकी फिल्में आई थी अलाप, चरणदास, अमर अकबर एंथनी, शतरंज के खिलाड़ी, अदालत, इंसान, ईमान, धर्म, खून पसीना और परवरिश। अलाप में इन्होंने प्रमोद आलोक का रोल निभाया था। चरणदास में इन्होंने कव्वाली गायक का रोल निभाया था, जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति थी। अमर अकबर एंथनी में इन्होंने एंथोनी गंसाल्वेस का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। शतरंज के खिलाड़ी में इन्होंने वर्णन करने वाले का रोल निभाया था। अदालत में इन्होंने धर्म और राजू का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था इनकी दोहरी भूमिका के लिए। ईमान धर्म में इन्होंने अहमद राज का रोल निभाया था। खून पसीना में इन्होंने शिवा टाइगर का रोल निभाया था। परवरिश में इन्होंने अमित का रोल निभाया था। फिर 1978 में इनकी फिल्में आई थी बेशरम, गंगा की सौगंध, कस्मे वादे, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर। बेशरम में इन्होंने रामचंद्र कुमार यानी प्रिंस चंद्रशेखर का रोल निभाया था। गंगा की सौगंध में इन्होंने जीवा का रोल निभाया था। कस्मे वादे में इन्होंने अमित शंकर का रोल निभाया था, जिसमें इनकी दोहरी भूमिकाएं थी। त्रिशूल में इन्होंने विजय कुमार का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। डॉन मूवी में इन्होंने डॉन यानी विजय का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था, इसमें इनकी दोहरी भूमिकाएं थी। मुकद्दर का सिकंदर में इन्होंने सिकंदर का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। फिर 1979 में इनके फिल्में आई थी द ग्रेट ग्लैम्बर, गोलमाल, जुर्माना, मंजिल, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर, सुहाग। द ग्रेट ग्लैम्बर में इन्होंने चय इंस्पेक्टर विजय का रोल निभाया था। इनमें इनकी दोहरी भूमिकाएं थी। गोलमाल में इन्होंने खुद का रोल निभाया था, जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति थी। जुर्माना में इन्होंने इंदर सक्सेना का रोल निभाया था। मंजिल में इन्होंने अजय चंद्र का रोल निभाया था। मिस्टर नटवरलाल में इन्होंने नटवरलाल यानी अवतार सिंह का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और पुरुष पार्श्व गायक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था। काला पत्थर में इन्होंने विजय पाल सिंह का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। सुहाग में इन्होंने अमित कपूर का रोल निभाया था। 1980 में इनकी चार फिल्में आई थी, जिनमें थी दो और दो पाँच, दोस्ताना, राम बलराम और शान। दो और दो पाँच में इन्होंने विजय और राम का रोल निभाया था। दोस्ताना में इन्होंने विजय वर्मा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। राम बलराम में इन्होंने इंस्पेक्टर बलराम सिंह की भूमिका निभाई थी। शान में इन्होंने विजय कुमार की भूमिका निभाई थी। फिर 1981 में इनकी फिल्में आई थी चश्मे बद्दूर, कमांडर, नसीब, बरसात की एक रात, लावारिस, सिलसिला, याराना, कलियां, जिसमें इन्होंने चश्मेदार बद्दूदार में विशेष मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। कमांडर में भी इन्होंने मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। नसीब में इन्होंने जॉनी जॉनी जनार्दन की भूमिका निभाई थी। बरसात की एक रात में इन्होंने एसीपी अभिजीत राय का रोल निभाया था। लावारिस में इन्होंने हीरा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। सिलसिला में इन्होंने अमित मल्होत्रा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। याराना में इन्होंने किशन कुमार का रोल निभाया था। कालिया में इन्होंने कल्लू कालिया का रोल निभाया था। 1982 में इनकी फिल्में आई थी सत्ते पे सत्ता, बेमिसाल, देश प्रेमी, नमक हलाल, खुद्दार, शक्ति, जिसमें इन्होंने सत्य पे सत्ता में रवि आनंद और बाबू का रोल निभाया था, जिसमें इनकी डबल भूमिकाएं थी। बेमिसाल में इन्होंने डॉक्टर सुधीर राय और अधीर राय की रोल निभाया था, जिसमें इनकी डबल भूमिकाएं थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। देश प्रेमी में इन्होंने मास्टर दीनानाथ और राजू की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनकी दोहरी भूमिकाएं थी। नमक हलाल में इन्होंने अर्जुन सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था। खुद्दार में इन्होंने गोविंद श्रीवास्तव छोटे उस्ताद की भूमिका निभाई थी। शक्ति में इन्होंने विजय कुमार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1973 में इनकी फिल्में आई थी नास्तिक, अंधा कानून, महान, पुकार, कुली।
आस्तिक में इन्होंने शंकर भोला का रोल निभाया था। अंधा कानून में इन्होंने जान निसार अख्तर खान यानी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था इस फिल्म के लिए। महान में इन्होंने राणा रणवीर, गुरु और इंस्पेक्टर शंकर त्रिपल भूमिका निभाई थी। पुकार में इन्होंने रामदास रोनी की भूमिका निभाई थी। कुली में इन्होंने इकबाल ए खान की भूमिका निभाई थी। 1984 में इनकी दो फिल्में आई थी जिनमें थी इंकलाब और शराबी। अब इंकलाब में इन्होंने अमरनाथ की भूमिका निभाई थी और शराबी में इन्होंने विक्की कपूर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 1985 में इनकी दो फिल्में आई थी, गिरफ्तार और मर्द। गिरफ्तार में इन्होंने इंस्पेक्टर करण कुमार खन्ना की भूमिका निभाई थी। मर्द में इन्होंने राजू मर्द तांगेवाला की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 1986 में इनकी दो फिल्में आई थी जिसमें थी एक रुका हुआ फैसला और आखिरी रास्ता। एक रुका हुआ फैसला में इन्होंने मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी और आखिरी रास्ता में इन्होंने डेविड बेजर की भूमिका निभाई थी जिसमें इनकी डबल भूमिकाएं थी। पर 1987 में इनकी दो फिल्में आई जिनमें जलवा और कौन जीता कौन हारा फिल्म थी। जलवा में इन्होंने खुद का रोल निभाया था जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति थी और कौन जीता कौन हारा में भी इन्होंने खुद का ही रोल निभाया था जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति थी। पर 1988 में इनकी चार फिल्में आई जिनमें थी सुरमा भोपाली, शहनशाह, हीरो हीरालाल, गंगा जन्मा, सरस्वती। सुरमा भोपाल में इन्होंने मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई। शहनशाह में इन्होंने इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव शहनशाह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। हीरो हीरालाल में इन्होंने खुद की भूमिका निभाई जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति थी। गंगा यमुना सरस्वती में इन्होंने गंगा प्रसाद का रोल निभाया था। फिर 1989 में इनकी चार फिल्में आई जिनमें था बंटवारा, तूफान, जादूगर और आजाद हूँ। जिसमें बंटवारा में इन्होंने वर्णन करने वाले की भूमिका निभाई। तूफान में इन्होंने तूफान और श्याम की भूमिका निभाई जिसमें इनकी दोहरी भूमिकाएं थी। जादूगर में इन्होंने गोगा गैगस्टर का रोल निभाया। मैं आजाद हूँ में इन्होंने आजाद का रोल निभाया। 1990 में इनकी तीन फिल्में आई जिनमें थी अग्निपथ, क्रोध और आज का अर्जुन। अग्निपथ में इन्होंने विजय दीनानाथ का रोल निभाया। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिर क्रोध के लिए इनकी विशेष उपस्थिति आज क्रोध फिल्म में इनकी विशेष उपस्थिति आज का अर्जुन में इन्होंने भीमा का रोल निभाया था। फिर 1991 में इनकी चार फिल्में आई थी जिसमें थी हम, अजूबा, इंद्रजीत और अकेला। हम मूवी में इन्होंने टाइगर और शेखर का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। अजूबा में इन्होंने अजूबा अली का रोल निभाया था। इंद्रजीत में इन्होंने इंद्रजीत का रोल निभाया था। अकेला में इन्होंने इंस्पेक्टर विजय शर्मा का रोल निभाया था। फिर 1992 में इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था खुदा गवाह जिसमें इन्होंने बादशाह खान का रोल निभाया था और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। फिर 1994 में इनकी फिल्म आई थी इंसानियत। इस फिल्म के लिए इन्हें इंस्पेक्टर फिर 1991 में इनकी फिल्म आई थी इंसानियत। इस फिल्म में इन्होंने इंस्पेक्टर अमर का रोल निभाया था। 1996 में एक फिल्म आई थी तेरे मेरे सपने जिसमें इन्होंने वॉइस दी थी। 1997 में इनकी फिल्म आई थी मृत्युदाता जिसमें इन्होंने राम प्रसाद घायल की भूमिका निभाई थी। फिर 1998 में इनकी दो फिल्में आई थी मेजर साहब और छोटे मियाँ बड़े मियाँ। मेजर साहब में इन्होंने मेजर जसबीर सिंह राणा का रोल निभाया था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में इन्होंने इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और बड़े मियाँ का रोल निभाया था। फिर 1999 में इनकी फिल्में आई थी लाल बादशाह, सूर्यवंशम, हिंदुस्तान की कसम, कोहराम, हेलो ब्रदर। लाल बादशाह में इन्होंने लाल बादशाह सिंह और रणबीर सिंह का दोहरी भूमिका निभाई थी। सूर्यवंशम में इन्होंने भानु प्रताप सिंह ठाकुर और हीरा सिंह की दोहरी भूमिका निभाई थी। हिंदुस्तान की कसम में इन्होंने कबीरा की भूमिका निभाई थी। कोहराम में इन्होंने कर्नल अवीर सिंह छोटी, देवराज हथौड़ा और दादा भाई की भूमिका निभाई थी। हेलो ब्रदर में इन्होंने वाइट ऑफ गॉड की भूमिका निभाई थी। फिर 2000 में इनकी फिल्म आई थी मोहब्बतें जो इनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रही थी। इसमें इन्होंने नारायण शंकर का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता था। फिर 2001 में इनकी चार फिल्में आई थी जिनमें थी एक रिश्ता, लगान, अक्स और कभी खुशी कभी गम। एक रिश्ता में इन्होंने विजय कुमार की भूमिका निभाई थी। लगान में इन्होंने वर्णन करने वाले की भूमिका निभाई थी। अक्स में इन्होंने मनु वर्मा की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म समीक्षक पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और मनोनीत फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। कभी खुशी कभी गम में इन्होंने जयवर्धन यश राजचंद का रोल निभाया था। इस फिल्म में इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता था।
फिर 2002 में इनकी चार फिल्में आई थी, जिसमें थी आंखें, हम किसी से कम नहीं, अग्निवर्षा और कांटे। आंखें में इन्होंने विजय सिंह राजपूत की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को पुरस्कार दिया गया था। हम किसी से कम नहीं के लिए इन्होंने डॉक्टर रस्तोगी की भूमिका निभाई थी। अग्निवर्षा में इन्होंने इंद्र विशेष उपस्थिति थी। कांटे में इन्होंने यशवर्धन रामपाल मेजर मनोनीत फिल्म फेयर पुरस्कार इस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था। 2003 में इनकी फिल्में आई थी खुशी, अरमान, मुंबई से आया मेरा दोस्त, बूम, बागबान, फंटोस। खुशी में इन्होंने वॉइस दी थी। अरमान में इन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा का रोल निभाया था। मुंबई से आया मेरा दोस्त में इन्होंने वर्णन करने वाले की भूमिका निभाई थी। बूम में इन्होंने बड़े मियां का रोल निभाया था। बागबान में इन्होंने राज मल्होत्रा का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। फंटोस में इन्होंने वर्णन करने वाले की भूमिका निभाई थी। फिर 2004 में इनकी फिल्में खाकी, एतबार, रुद्राज, इंसाफ, देव, लज, दीवार, क्यों हो गया ना, हम कौन हैं, बीरजारा, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों आदि फिल्में आई थी। खाकी में इन्होंने DCP अनंत कुमार श्रीवास्तव का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। एतबार में इन्होंने डॉक्टर रणबीर मल्होत्रा का रोल निभाया। रुद्राज में इन्होंने वर्णन करने वाले का रोल निभाया। इंसाफ में इन्होंने वर्णन करने वाले का रोल निभाया। देव में इन्होंने DCP देव प्रताप सिंह का रोल निभाया। लच में इन्होंने कर्नल सुनील दामले का रोल निभाया। दीवार में इन्होंने मेजर बलबीर कौल का रोल निभाया। क्यों हो गया ना में इन्होंने राज चौहान का रोल निभाया। हम कौन हैं में इन्होंने जॉन मेजर विलियम और फ्रैंक जेम्स विलियन दोहरी भूमिका निभाई थी। बीरजारा में इन्होंने सुमेर सिंह चौधरी का रोल निभाया। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार विशेष उपस्थित के लिए दिया गया था। अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों में इन्होंने मेजर जनरल अमर सिंह का रोल निभाया था। फिर 2005 में इनकी फिल्में आई थी ब्लैक, वक्त, बंटी और बबली, परिणीता, पहेली, सरकार, विरुद्ध, रामजी लंदन वाले, दिल जो भी कहे, एक अजनबी, अमृत धारा। ब्लैक में इन्होंने देवराज सहाय की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, फिल्म समीक्षक पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन विजेता और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। वक्त मूवी में इन्होंने ईश्वर चंद्र सरावत की भूमिका निभाई थी। बंटी और बबले में इन्होंने DCP दशरथ सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। फिर परिणीता में इन्होंने वर्णन करने वाले का रोल निभाया था। पहले में इन्होंने गरड़िया, जिसमें इनकी विशेष उपस्थिति का रोल निभाया था। सरकार में इन्होंने सुभाष नागरे यानी सरकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता था। विरुद्ध में इन्होंने विद्याधर पटवर्धन की भूमिका निभाई थी। रामजी लंदन वाले में इन्होंने खुद यानी विशेष उपस्थित थी। दिल जो भी कहे में इन्होंने शेखर सिन्हा की भूमिका निभाई थी। एक अजनबी में इन्होंने सूर्यवीर सिंह की भूमिका निभाई थी। अमृत धारा में इन्होंने खुद की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थी। 2006 में इनकी चार फिल्में आई थी, जिसमें थी परिवार, डरना जरूरी है, कभी अलविदा ना कहना और बाबू। परिवार में इन्होंने बीरेन साहा की भूमिका निभाई थी। डरना जरूरी है में इन्होंने प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी। कभी अलविदा ना कहना इन्होंने समरजीत सिंह तलवार यानी आकाश एक्सिस सैम की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। बाबुल में इन्होंने बलराज कपूर की भूमिका निभाई थी। फिर 2007 में इनकी फिल्में आई थी एकलव्य रॉयल गार्ड और निषाद, चीनी कम, शूट आउट एट लोखंडवाला, झूम बराबर झूम, राम गोपाल वर्मा की आग, ओम शांति ओम, द लास्ट ईयर, जिसमें उन्होंने एकलव्य द रॉयल गार्ड में इन्होंने एकलव्य की भूमिका निभाई थी। निशब्द में इन्होंने विजय की भूमिका निभाई थी। चीनी कम में इन्होंने बुद्ध देवा गुप्ता की भूमिका निभाई थी। शूट आउट एट लोखंडवाला में इन्होंने टिंगर, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थी। झूम बराबर झूम में इन्होंने सूत्रधार, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थी। और गोपाल वर्मा की आग में इन्होंने बबन सिंह की भूमिका निभाई थी। और ओम शांति ओम में इन्होंने खुद की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनकी विशेष उपस्थित थी। द लास्ट ईयर में इन्होंने हरीश मिश्रा की भूमिका निभाई थी। फिल्में आई यार मेरी जिंदगी, भूतनाथ, सरकार राज, गार्ड तुझसे ग्रेट हो। यार मेरी जिंदगी में भूतनाथ में इन्होंने कैलाशनाथ की भूमिका निभाई। सरकार राज में इन्होंने सुभाष नागरे की भूमिका निभाई। गात से ग्रोट हो में इन्होंने शक्तिमान ईश्वर का रोल निभाया। फिर 2009 में इनकी फिल्में आई दिल्ली सिक्स, अलादीन और पा। दिल्ली सिक्स में इन्होंने दादाजी की भूमिका निभाई। अलादीन में इन्होंने जिन की भूमिका निभाई। पा में इन्होंने आरओ की भूमिका निभाई। फिर 2010 में इनकी तीन फिल्में आई रड़, तीन पत्ती, कंधार। तीन पत्ती में इन्होंने प्रो वैकेंट सुब्रमण्यम की भूमिका निभाई। कंधार में इन्होंने लोकनाथ
शर्मा की भूमिका निभाई। फिर 2011 में इनकी फिल्में आई बुढ़ा होगा तेरा बाप, आरक्षण। बुढ़ा होगा तेरा बाप में इन्होंने विजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई। आरक्षण में इन्होंने प्रभाकर आनंद की भूमिका निभाई। फिर 2011 में इनकी फिल्में आई मी भट्टी आनछुट्टी, डिपार्टमेंट, बोल बच्चन, इंग्लिश विंग्लिश। मी भट्टी आनभट्टी में इन्होंने स्वयं की भूमिका निभाई। डिपार्टमेंट में इन्होंने गायकवाड़ की भूमिका निभाई। बोल बच्चन में इन्होंने स्वयं की भूमिका निभाई और इंग्लिश विंग्लिश में इन्होंने सहयात्री की भूमिका निभाई। 2013 में इनकी फिल्में आई वाम बेटा कीज, सत्यग्रह, वास, क्रश, महाभारत, द ग्रेट गैट्सबी, अंग्रेजी फिल्म। वाम बेटा कीज में इन्होंने स्वयं की भूमिका निभाई। बास में इन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई। क्रश 3 में इन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई। महाभारत में इन्होंने भीष्म आवाज दी थी। द ग्रेट गैट्सबी में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। 2014 में इनकी फिल्में आई थी भवनाथ रिटर्न और मनन फिल्म। 2015 में इनकी फिल्में आई थी अमिताभ, हे ब्रो और फीकू। 2016 में इनकी फिल्में आई थी वजीर की एंड का और टीन और पिंक। 2017 में इनकी फिल्में आई थी द गाजी अटैक, सरकार 3, अलादीन, जिन, तलसमान, अपवर्जन, संताराम और 2018 में इनकी फिल्म आई थी ठग ऑफ हिंदुस्तान। सरकार 3 की यह कहानी सरकार यानी अमिताभ बच्चन और उनके एक छत्र साम्राज्य की तरफ आकर्षित करती है। कहानी में सरकार का पोता शिवाजी नागरे यानी अमित शाह वापसी करता है और सरकार के काम करने के स्टाइल पर पैनी नजर रखता है। शिवाजी की गर्लफ्रेंड अनु यानी यामी गौतम अपने पिता की मृत्यु का बदला सरकार से लेना चाहती है और उसके लिए शिवाजी की मदद लेना चाहती है। सरकार के काफी करीबी गोकुल यानी रोनित राय और गोरख ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। साथ ही नेता देशपांडे यानी मनोज वाजपेयी और बिजनेसमैन माइकल वाल्या यानी जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है। वाल्या को सरकार और उसकी नीतियों से सख्त नफरत है जिसकी वजह से वह सरकार के साम्राज्य को तहस नहस करना चाहता है। क्या वह इस मंसूबे में कामयाब हो पाता है, इसका पता आपको आगे चलेगा। कमजोर कड़िया फिल्म की कहानी काफी प्रोडिक्टेबल सी है जिस पर और भी ज्यादा काम किया जा सकता था। वही बहुत सारे सीन्स काफी ड्रैग किए हुए लगते हैं जिन्हें छोटा करके फिल्म और स्क्रिप्ट बनाया जा सकता था। फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहद कमजोर है जिसकी वजह से कोई भी किरदार संपूर्ण नहीं हो पाया है और कुछ ना कुछ कमी हर एक सीन में है। सीन और बेहतर हो सकते थे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी लाउड है जिसकी वजह से एक वक्त के बाद काफ़ी शोर शराबा जैसा लगने लगता है। फिल्म के किरदार एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हुए नज़र नहीं आते हैं जिसकी वजह से ज़बरदस्त संवाद भी काफ़ी फीके फीके से जान पड़ते हैं। एक बार फिर से रामगोपाल वर्मा अपने अलग अलग एंगल से शॉट लेते हुए नज़र आए हैं और कैमरा कहीं भी और कभी भी दिखाई पड़ता है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। फिल्म में एक वक्त के बाद ऐसा पल भी आता है जब आप गंभीर सीन पर भी हंसने लगते हो और खुद से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। सीक्वेंस का कनेक्शन काफ़ी अधूरा है। जानिए आखिर फिल्म को क्यों देख सकते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उम्र के हिसाब से सरकार के किरदार में हुए परिवर्तन को स्क्रीन पर बाखूबी दर्शाया है और अपनी आवाज़ में भी एक बदलाव किया है जो काफ़ी सराहनीय है। समय के साथ साथ सरकार का पोता यानी चीकू भी बड़ा हुआ है जिसे अमित शाह ने अच्छा निभाया है। वही जैकी श्रॉफ, रोनित राय, रोहिणी, हथनगाड़ी और यामी गौतम का काम भी सहज है। मनोज वाजपेयी ने भी अपने पात्र को उम्दा ढंग से निभाया है। बाकी सभी कलाकारों का काम बढ़िया है। अगर आप इन एक्टर्स के दीवाने हैं तो एक बार ये फिल्म जरूर देखें। बॉक्स ऑफिस पर सभी एक्टर्स की फीस और प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन को मिलाकर फिल्म का बजट लगभग 30-40